بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप सबको खुश आमदीद और खास तौर पे हमारे मेंटर्स का शुक्रिया। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा होता हूँ एक्सरसाइजेस, आपसे लंबी लंबी गिरदाने ग्रामर टेबल्स प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन इजली सेंस कि आप लोगों की प्रोग्रेस पिछली क्लास से मच 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 फास्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि आयात नंबर 187 से 189 यानी एक पेज कुरान करीम का हम सुनेंगे, उसका तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह, उसके ग्रामर के सर्फ और नहव पर बात करेंगे, फिर इसकी शरह यानी तफसीरी निकात क्या है और आयात पर तदब्बुर करेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश करेंगे कि जो हम ग्रामर के रूल पढ़ चुके हैं उनको आपके साथ मिलकर रिवाइज किया जाए। तो सबसे पहले हम आयात को सुनेंगे और यही हमारा तरीकाकार है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कुरान को जब हम सुने तो हमें उसका फहम यानी पहली लिसनिंग में हम उसका जो तर्जमा है वो डायरेक्टली अल्फाज के जो माने हैं वो ट्रांसलेट होकर हमें डायरेक्ट अरबी में समझ आए। तो आइए इन आया आज की आयात बड़ी अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें अहकामात हैं, यानी कुरान के अगर 6000 आयात हैं, 6000 प्लस हैं, तो ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ देम मे बी इवन लेस देन 100 आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली हमें हुक्म दिया गया है कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। तो इन अदर वर्ड्स ये एक्सेप्शन है, रियायत ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय उन चीजों का जिनको आपको कहा जाए कि ना करो और कुछ क्लैरिफिकेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो ये आयात है, तीन आयात बहुत ही अहम है। तो आइए पहले इन आयात को सुनते हैं। أعوذ بالله एक आयत है लेकिन लंबी आयत है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ लाइनों पर मुश्तमल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक जुमला है, इट इज सेवरल सेंटेंसेस पुट टुगेदर। मेरी रिक्वेस्ट है अगर माइक्स अपने म्यूट रखिए। आइए इसका तर्जमा करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए लैलत सयाम रोजों की रातों में या रोजे की रात में। किस क्या चीज हलाल कर दी गई है? अर्रफ़तु इला निसाइकुम तुम्हारा अपनी औरतों के पास जाना यानी उनसे हम बिस्तरी करना, इसको हलाल कर दिया गया है रोजे की रात यानी रोजे की अफ्तारी के बाद। हुन्न लिबासुल लकुम वो तुम्हारे लिबास हैं। वअंतुम लिबासु लहुन और तुम उनके लिए लिबास हो। इसकी अभी शरह में देखेंगे इससे मुराद क्या है कि एक दूसरे का मियां और बीवी एक दूसरे का लिबास है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अन्फुसकुम अलिमल्लाहु अल्लाह जानता है यानी अल्लाह ने इस बात को जान लिया, अल्लाह को मालूम है अन्नकुम के तुम सब लोग क्या करते थे। कुन तुम तख्तानूना खयानत करते हो अनफुसकुम अपने नाप से अपने नफ्सों से यानी जिस चीज का तुमने अहद किया है उसको तुम उस पर खयानत करते हो उसको तोड़ते हो। इस बात का इल्म था यानी तुम रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाते हो हम बिस्तरी के लिए जबकि इस बात को मना किया गया है। तो इस बात को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात को जानता था तो अल्लाह ताला ने क्या किया फताब अलैकुम तो अल्लाह ताला ने
क्या हुए, तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुए, ताबा मुतवज्जे हुए यानी दरगुजर किया, वह आफा अनकुम और तुमको माफ कर दिया, यानी हो चुका उसको माफ कर दिया। फल आना बाशिरुहुन, बस अब तुम बाशिरु या अमर के सीगे हैं, देखिए कि तुम मुबाशरत करो उनके साथ, यानी तुमको इजाजत है। वब्तहु मा कतबल्लाहु लकुम, और तुम तलाश करो वो जो अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, यानी जो तुम्हारे लिए लिखा है, यानी जो औलाद तुम हासिल कर सकते हो उसकी तलाश करो। वकुलू वश्रबू, और खाओ और पियो। हत्ता यतबैना लकुमुल खैतुल अबयद, यहाँ तक के जाहिर हो जाए तुम पर, यानी वाजह हो जाए तुम पर अल खैतुल अबयदु, सफेद धागा, मिनल खैतल अस्वदा, एक स्याह धागे से, मिनल फजर यानी फजर के वक्त, या फजर के सुबह यानी सुबह के टाइम पे, एक ऐसा टाइम है जब रात से दिन निकलता है, तो वो चीज़ जो आपको स्याह नजर आ रही है वो स्याही से जब रोशनी यानी वो सफेद नजर आने लगे, तो वो उस वक्त तक की हद मुकर्रर की है, उस वक्त तक तुम खाओ भी और पियो भी और तुम्हें इजाजत है हम बिस्तरी की भी उस वक्त तक। सुम्मा अतिम सयाम इलल्लैल, फिर तुम मुकम्मल करो अतिम सयाम रोजे को, इलल्लैल रात गए तक, यानी रात तक। इस पर भी हम बात करेंगे क्या मुराद है, यानी यहाँ पर दोनों टाइम फिक्स किए हैं, किस में कितनी गुंजाइश थी इसके बारे में भी आज बात करेंगे। बहुत ही अहम आयात है हमारे रोजे के मुतालिक, रमजान के मुतालिक। वला तुबाशिरुहुन्ना वअन्तुम आकिफूना, अच्छा अब रोजों में वैसे तो रात को इजाजत दे दी मुबाशरत की, लेकिन इस हाल में कि तुम इतकाफ में हो तो ला तुबाशिरुहुन्ना, कि तुम नहीं कर सकते मुबाशरत अपनी औरतों के साथ। और उसकी भी बात करेंगे कि वअन्तुम आकिफूना फिल मसाजिद, तो इतकाफ भी सिर्फ मसाजिद में हो सकता है, जब तुम मसाजिद में हो तो ऐसा काम नहीं कर सकते। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं, यानी ये अल्लाह की रेड लाइंस हैं, लिमिट्स हैं। फला तकरबुहा, बस तुम उनके करीब भी मत जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, यानी इसी तरह से अल्लाह वाज़ह करता है अपनी निशानियों को लिन्नासी, लोगों के लिए। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो लोग परहेजगारी इख्तियार करें। ये इसका बेसिक रवान तर्जमा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। नमाज का टाइम आज 6:20 है, 20 मिनट है, तो अभी थोड़ी सारी हम इस पर 4 मिनट गुफ्तगू कर सकते हैं, तीन मिनट कर सकते हैं। इसके तर्जमे पर ही बात करते हैं, बाकी हम इस पर बात करेंगे डिटेल से, कि पता ही चलता है इसका बैकग्राउंड क्या है, कि इब्तदाए इस्लाम में कुछ चीज़ें मना थी। क्या मना था? कि जब इफ्तारी का टाइम हो जाए, इफ्तारी के बाद आप यानी इशा के टाइम तक, कि जब आप सो जाएं, उसके बाद ना तो खा पी सकते थे और ना ही हम बिस्तरी कर सकते थे अपनी औरतों से, यानी तो कितना टाइम, तो इफ्तारी के बाद से इशा तक, कि जब तक सो जाएं, तो ये बड़ा सख्त हुक्म था और मुश्किल था। तो उसकी यहाँ पर दी जा रही है छूट, यानी एक खुशी की बात है कि रोज़ा बहुत ही आसान हो गया, पिछली उम्मतों के मुकाबले में भी बहुत आसान। और इन आयात से ये भी पता चलता है कि कहा जा रहा है कि यानी इफ्तारी का भी एक तरह से हुक्म है, कि जाहिर बात है खाओ पियो, इसका मतलब यह है कि एक रोज़े के बाद दूसरा रोज़ा नहीं रखा जा सकता बगैर खाए पिए, ये भी यहाँ पता चल रहा है। और ये पता चल रहा है कि जब हम बिस्तरी करें तो उसके लिए औलाद की ख्वाहिश करें, या उसके लिए जो अल्लाह ताला लिखा है वो आपको मिलेगा। और तीसरी बात जो आयात में बताई जा रही है जो खास है, कि वो टाइम्स कौन, जो आपका जो रोज़ा रखने का जो टाइम है, जिसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट फार्मूलाज भी लगाए जाते हैं आजकल, तो कि भाई सुबह सादिक कब होगी, क्योंकि ये टाइम जो सुबह सादिक है वो कौन सा है, और किस वक्त
तक रोजा रखना है, यानी अत्तमुस्सयाम इलल्लैल। तो इस बात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, यानी ये एक और पॉइंट यहाँ पर है जिसके बारे में बात की जा रही है। एतकाफ़ के मुतालिक बात की जा रही है कि एतकाफ़ मसाजिद में होगा, और यहाँ से पता ये चलता है कि ख्वातीन या अपनी बीवी से एतकाफ़ में बातचीत हो सकती है, या तो वो ज़ाहरी बात इसमें वो मस्जिद में आएंगी या खाना देने या किसी और काम से, लेकिन ये उन मसाजिद की बात हो रही है जहाँ पर औरतों के लिए अलग इंतज़ाम हो, क्योंकि औरतों का एतकाफ़ भी मसाजिद में ही है जो यहाँ से पता चलता है। और फिर ये भी कहा गया कि ये बड़ी जो बातें बताई जा रही हैं, ये तिलका हुदूदुल्लाह, जब ये लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है ये हद है, द वेरिएंट, इसको क्रॉस ना किया जाए। और फिर ये है कि अल्लाह ताला आखिरी आयत में ये बता रहे हैं कि ऐसा करने से हम में तकवा पैदा होगा। तो बहुत ही अहम आयात हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर मगरिब, और हम वापस आएंगे 6:00। कब आए जी? 6:40 पर आए। रमजान भाई आप बताइए किस 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 टाइम पे वापस आना है आपने? सर 6:40 ठीक है। 6:40 ठीक है, ओके। सी यू एट 6:40 इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाह व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر کیو سی سکس کی کلاس کو خوش آمدید بریک کے بعد آج ہمارا بہت ہی اہم لیسن سورۃ البقرہ کی آیات 187 188 اور 189 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ترجمے کے بعد ہم الفاظ جو آئے ہیں ان کا جو نئے الفاظ ہیں خاص طور پہ ان کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ان کی صرف اور نحو سٹڈی کریں گے تدبر کریں گے آیات پر دیکھیں گے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اور آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کے یعنی ہمارے لیے جو نئے اور اجنبی الفاظ ہیں میں چند الفاظ کو آپ کے لیے ڈسکرائب کروں گا اگر کوئی رہ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے اوہلا اوہلا جب آپ دیکھیں تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھول فیل ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو یہ بات فوری دیکھتے ہوئے نظر نہیں آئی کہ یہ مجھول فیل ہے مجھول ہے سر کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھول ہے کیونکہ اس کے پہلے سیگے پر دمہ ہے اور جو عین سیگا اس پر کسرہ ہے یہ جو ہے نا جو سیکنڈ والے پہ کسرہ کہہ رہے ہیں نا یہ تھوڑا سا ایسا درست نہیں ہے اس میں چونکہ آخر میں ڈبل آیا ہے نا لام یہ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ہاں ڈبل حرف ہے نا ڈبل حرف والا ہے تھوڑا سا فرق ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے اس کو اگر میں یہ کہوں یہ کس فیل جیسا ہے جو ہم نے پڑھا ہو ہمارا جو اچھا عدلہ جو ہے کون سا باب ہے عدلہ سر یہ باب افعال باب افعال ایکسلنٹ تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس کا مجھے ماضی بتا دیں اس فعل کا اور اس کا مصدر بتا دیں کس کا سر اس کا مصدر کیا ہوگا اچھا یہ آپ کو اس لیے یاد ہونا چاہیے کہ عدلہ یدلو ادلال تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمام اسٹوڈنٹس کو یہ والا ٹیبل یاد ہے عدلہ یدلو نہیں ہے تو یہ پریکٹس کریں ٹھیک ہے نا اور یہ افعال کا پیٹرن ہے ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی تو احلہ کا معنی ہوتا ہے یعنی جو اس کا معلوم فارم ہے اس نے حلال کیا یعنی جائز کر دیا رائٹ تو جب ہم مجھول بناتے ہیں تو کنسیپشلی کیا ڈفرنس ہے یعنی احلہ میں اور اوہلہ میں اگر آپ سے میں فرق پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جب مجھول ہونے سے اس میں کیا فرق آ گیا ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجیے گا کون جواب دینا چاہتا ہے جی سلمان بھائی سلمان پیسیو وائس ہو گیا نا پہلی بات تو پیسیو وائس ہو گیا ایکٹیو اور پیسیو میں کیا فرق ہے اگر یہ احلہ ہوتا تو کیا معنی ہوتا اور اوہلہ ہے تو کیا معنی احلہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس میں فائل پتہ چلتا ہمیں فائل اور مجھول کے اندر فائل ہمیں نہیں پتہ چلتا کس نے کیا ہے یہ بتائیے ترجمہ کریں احلہ کا ترجمہ کریں احلہ اس نے حلال وہ حلال ہوا یا اس نے حلال کیا اس نے حلال کیا اس نے حلال کیا اور اوہلہ کا معنی کیا ہوگا حلال کیا گیا کس نے کیا یہ نہیں پتا جی فائل نہیں پتا اچھا میں اس کو ذرا فردر ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ یہ بالکل آپ کا جو ہے نا یہ
क्लैरिटी से ये बात सामने आए। क्या सामने आए? मैं सामने आपको कुछ लिखने लगा हूं। अगर मैं कहूं अहल्ला, ये देखिए अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने हलाल कर दिया आपके लिए, और रफ़ा, अल्लाह ने हलाल कर दिया आपके पास आपके लिए, अरफ़ा यानी हम बिस्तरी, हम बिस्तरी, सही आप अपनी अपनी और इलानिसाइकुम, ठीक हो गया। इसको इसके अंदर फेल फाइल मफूल तलाश कर सकते हैं? जी सर, जी सर, फेल, जी सर, हल्ला फेल हुआ, जी सर, जी सर, अल्लाह, देखिए हाथ खड़ा करके, सिस्टर नुसरत ने हाथ खड़ा किया, बताइए फेल फाइल और मफूल। सर इसमें हल्ला फेल है जी, और अल्लाह फाइल है जी, और लकुम जार मजदूर है, और अर रफसा ये उसका मफूल भी है, मफूल भी है, बिल्कुल ठीक है जी। इस जुमले को कन्वर्ट करें मजहूल में तो कैसे करेंगे? सर देखना पड़ेगा। ओहिल्ला पहले इसको करेंगे पहले पे पेश, ठीक है जी, सेकंड पे ओहिल्ला करेंगे और लकुम फिर आ जाएगा, और अल्लाह जो है इसको क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये फाइल है। मजहूल का मतलब होता है हमें नहीं पता किसने हलाल किया, तो ओहिल्ला लकुम हो जाएगा, और इसमें से हमने क्या किया, हमने इसका फाइल जो है वो माइनस कर दिया, और जो मफूल भी था अब वो क्या बनेगा इसमें, ये इसमें नाइबुल फाइल बन जाएगा, तो इस पे पेश आ जाएगा जी, और रफासु, अब तर्जमा क्या होगा, ओहिल्ला लकुम और रफासु, ओहिल्ला लकुम हिलाल किया गया तुम्हारे लिए, अर रफसा लकुम तुम्हारे लिए, अर रफसा रगबत करना, अदबोतों के साथ, ठीक है, हम इसका मतलब ये है कि अब ये बन गया नायब फाइल, तो जो आम हालात में मफूल भी था वो मजहूल वाले फेल में जाके बन जाता है नायब फाइल, और उस पर दम्मा आ जाता है, मरफू हो जाता है, ये बात नोट की सब ने, कर ली। तो अब ये है कि आपने इस हफ्ते जो है मेंटोर से रिक्वेस्ट है कि डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए ये बताएं, मसलन अगर मैं कहूं फतहा ज़ैदुन अल बाबा, कौन तर्जमा करेगा, हाथ खड़ा करके कौन बताएगा तर्जमा इसका, फतहा ज़ैदुन अल बाबा, जी सिस्टर सादिया। सर सैद ने दरवाजा खोला। एक्सेलेंट, इसको मजहूल में चेंज करें, फतह जो है मजहूल में फुतिहा हो जाएगा, क्या होगा फिर से बताइए, फुतिहल बाबा, फुतिहा, सिस्टर सादिया को करने दें, सिस्टर फुतिहा आगे, फुतिहा ज़ैदुन स्किप हो जाएगा बीच में से क्योंकि फाइल है, और अलबाबा जो है अलबाबू हो जाएगा, एक्स, और तर्जमा कर दे इसका, खोला गया दरवाजा, और किसने खोला, ये नून नहीं है क्योंकि मजहूल है ना, इसलिए नहीं पता कि, परफेक्ट, बस ये इतना जो है ना आज के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें मजहूल के मुतालिक आसानी हो। सिस्टर शमा आर यू विद अस? जी बिल्कुल, आपके ख्याल में ये ठीक है मजहूल, यू आर गुड विद दिस? जी बिल्कुल ठीक है, चलें एक्सेलेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ, ये सुपर हो रही है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सयाम, सयाम लफ्ज कहां से आया, अगर आप सामा यसूम, और सयाम इसका मस्दर है, जी सर, राइट, तो ये हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है सयाम। रफा तू, इसको देखते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या माना है, रफा सा
ये जो बाब है समिया से आता है, तो रफीसा यरफसु रफसा राइट, और इसका जो बेसिक माना होता है इस लफ्ज का ये होता है क्या करना, रगबत करना, कोई फौश बात करना या ऐसी गुफ्तगू करना जो मियां बीवी के दरमियान तो जायज हो सकती है लेकिन बाकी हालात में नाजायज है। बेपर्दा होना, बेपर्दगी की बात करना यानी ऐसी गुफ्तगू या ऐसी बात होना जो के नहीं करनी चाहिए अदर देन जब जायज हो, बल्कि इसका तो एक्सटेंशन इसका जो यहाँ मुराद है यहाँ मुराद से है बाशिरु होना यानी मुबाशरत करना। ये लफ्ज रफा सा कुरान में एक और जगह पर भी आया और बड़ी जी सर मैं बताऊं किधर आया है सर नुसर जाहिद ने हाथ खड़ा करके बताना, हाथ खड़ा करके कौन सिस्टर बोल रही है जी सर मैं हाथ खड़ा कर देती हूं। नुसरत है जी बताइए कौन सी आयत है सर, इसमें इधर ही आगे आ रही है आयत अशुरु मालूमात फमन फरद फी नल हजा फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। माशाल्लाह, तो आयत क्या है फला रफसा तो पस तुम नहीं ऐसी बात करो, वला फसूका और ना ही कोई फिस्क वाली, वला जिदाला और ना ही कोई लड़ाई झगड़े की बात जी हज के दौरान। तो इसमें नोट के रफसा फसूका जिदाला तीनों के आखिर में जबर आती है और ला आता है शुरू में, तो ये भी आपको याद है ना क्या कॉन्सेप्ट के ला के बाद अगर इसम आए और उस पर जबर हो और तनवीन भी ना हो तो किस तरह का ये इसम होता है, हाथ खड़ा करके कोई बताएगा? मंसूब सर दोबारा से इसको ये मैंने क्या कहा, अगर लिखा हो ला रफसा यानी वला फसूका वला जिदाला, इन तीनों में देखें कि ला के बाद एक इसम है जो नकेरा है और उसके ऊपर तनवीन भी नहीं है जबर है। सर ये मंसूब है, मंसूब नहीं मंसूब तो है, ये क्या कंस्ट्रक्शन है ला इलाहा, इधर भी ये ऐसे होता है नहीं सर, ये लान नहीं है। अच्छा इसको लेट से किसने हाथ खड़ा किया हुआ, सिस्टर सारा बताइए ये कौन सा ला है? तो ये लाए नफी जिन्स हुआ ना, माशाल्लाह लाए नफी जिन्स, इसकी भी प्रैक्टिस करें कि ला मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ला मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक ला वो होता है जिसको कहते हैं ला नाफिया, नहीं और एक कहाँ इस्तेमाल होता है ला प्लस फेल मुजारे में आमतौर पे ठीक है ना, जब हम मुजारे की नफी करनी होती तो ला से करते हैं ना, ला यंसुरुना। एक ला होता है नाहिया, इसको क्या कहते हैं जब किसी को कहते हैं कि तू ये काम मत कर, ला तंसुर, ये वाला हमारे ग्रामर टेबल में ये वाला ला जो होता है डोंट डू दिस ठीक है। और तीसरा ला हमने आज पढ़ा है कि ऐसा ला जो एक ऐसे इसम के साथ आए और उसमें जबर हो तो वो उसकी मुकम्मल नफी करता है, मसलन ला राइबा का क्या मतलब है, ला राइबा फीहा, किसी किस्म का कोई शक नहीं है ला, ना छोटा शक है ना बड़ा शक है ना छुपा हुआ शक है, ला इलाहा किसी किस्म का कोई इलाह नहीं है ना छोटा ना बड़ा, तो ला रफा सा किसी किस्म की कोई गुफ्तगू फूश नहीं करनी, ला फसूका किसी किस्म का छोटा बड़ा फसाद फिस्क नाफरमानी नहीं करनी, वला जिदाल किसी किस्म का छोटी बड़ी लड़ाई नहीं करनी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये ला वाला कॉन्सेप्ट राइट? यस सर। आगे चलते हैं हम सर, इसमें आपने जो बताया लाए नफी जिन्स वो तो क्लियर हो गया, नाफिया भी क्लियर है, नीचे कौन सा आपने लिखा नहबा, नाहिया। इसका एग्जांपल अभी आएगा ला नाहिया, दोबारा लिखो क्या अमर के साथ होता है, फेल अमर के साथ, फेल अमर के साथ
एक सेकंड, हमने जो कहा ना कि जो हम ग्रामर टेबल के अंदर जब हम कहते हैं डोंट डू दिस, तुम मत करो ना, ऐसा मत करो, उसको कहते हैं ला नाहिया, ला नाहिया। हर टेबल में ऐसा नहीं है, फतह में ला, देखें हम कहते हैं ला तफ्ता, ला तफ्तहु, ला तंसुर, ला तंसुरु, यानी जिसमें हम अमर देते हैं नेगेटिव का, ना करने का, अमर ना करने का। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि जब आप ला को देखें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम बताएं ये कौन सा वाला ला है यहाँ पे। तो तीन तरह के ला हमने देखे आज के देखेंगे, बल्कि लास्ट टाइम आपने एक नहीं, तीन तरह के ला की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सो फार सो गुड, आगे चलें। चले सर, चले जी, आगे देखें। रफा सूबी निसाकुम लिबास, लिबास जो है ये लफ्ज कहां से निकला होगा? दो तरह से आता है। अब देखिये लिबास है, और लिबास का माना आपको पता है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लिबास कहते हैं पोशाक यानी कपड़ा। अरबी में ये दो तरह इसके माने आ सकते हैं। अगर तो ये लबासा, लबासा और यल बिसु, राइट? ये वाला कौन सा पैटर्न है? लबासा यल बिसु, लबासा यल बिसु, तराबा, इसका माना होता है यद्रिबु जी, दराबा यद्रिबु है। अदर इसका मतलब होता है खल्त मल्त करना, आपस में गुडमुड करना, शक पैदा करना, खदशात पैदा करना। तो हमने ये पढ़ा था सूरतुल बकरा में कि वो क्या करते हैं, लम तलबिसून अल हक्का बिल बातिल, क्या लिम हक को, हाँ लिबा तुम क्यों करते हो, हक और बातिल को आपस में मिक्स करते हो। अगर दराबा से, अगर ये समिया से हो, तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का, हाँ करेक्ट हो गया। और अगर समिया से आए, देखिए ये चीज नोट करने की है कि एक ही वर्ड है, जब उसका बाप चेंज होता है लबिसा यल बसु, तो अब इसका माना डिफरेंट हो जाता है। अब इसका माना ये है कि उसने कोई चीज पहनी, जैसा कपड़े पहने, लबिसा यल बसु, राइट? तो ये फर्क है दोनों में, और लिबास का माना यानी कोई चीज पहननी। नेक्स्ट लेट्स सी और नया लफ्ज कौन सा है, अलीमा अल्लाह। ये जरा अपने माइक्स प्लीज म्यूट रखा करें, बोलने के बाद बंद कर दिया करें। तख्तानूना, तख्तानूना जो लफ्ज बना है ये किस फेल, इसके रूट लेटर्स क्या है? हा वाओ नून सर। एक्सेलेंट, हा वा नून है। और अगर हम इसको कहें खाना या खून, ये इसका बनेगा बेसिक फेल, राइट? तो क्या माना हुआ खाना या खूनों का? इसका माना है ऐत शिकनी करना, यानी ऐत किया हुआ ऐत को तोड़ना, ऐत शिकनी यानी किसी के साथ बेवफाई करना, खयानत करना, राइट? तो ये जब खाना या खूनों में कह रहा हूं तो ये इसका बेसिक जो वर्ड है खा, यानी खा वाव नून इसके रूट लेटर्स हैं। यही जब आएगा इफ्तियाल के पैटर्न पर तो ये क्या होगा, इख्ताना। अच्छा, असल में क्या था, इख्तावाना, इफ्ताला। इख्ताना क्या था असल में, इख्तावाना यानी इख्तलाफा, इख्तलाफा यख्तलिफू, तो इख्तावाना यख्तविनु। तो इख्तावाना में जो ता के जबर के बाद अगर वाव आए तो वाव अलिफ में कन्वर्ट हो गया, तो इख्ताना यख्तान और इख्तियान। अच्छा, इख्ताना का मतलब क्या होगा, वही ऐद शिकनी करना, खयानत करना, लेकिन बड़े एहतमाम के साथ करना, सोच समझ के करना,
अब्दुल हाय साहब का क्वेश्चन है या कमेंट है? हाथ खड़ा हुआ है. अच्छा एनीवे, सो इख्ताना भी हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट चलते हैं, और हमारे लिए कौन सा नया लफ्ज है? अच्छा इख्ताना यख्तानू का रेफरेंस टेबल क्या है? किसी को याद है कि हमने कौन सा फेल पढ़ा था जो इस तरह का था ताकि हमें याद रहे? इख्तलाफा में अलिफ नहीं था आखिर में, ये वाला वो है जो वाव अलिफ में बना हुआ है. तो इख्ताना की तरह हमने कोई पढ़ा था? इख्तारू. अगर नहीं किया था तो ये रेफरेंस टेबल है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा इसको याद करने. कौन सा सर दोबारा बोलना? कौन सा आपको नजर आ रहा है? इख्तारा. इख्तारा पढ़ा सर हमने. स्लाइड शेयर हो रही है? नहीं सर. नहीं हुई स्लाइड शेयर? इख्तारा की स्लाइड शेयरिंग नहीं हो रही आपकी? कोई भी स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही? कोई भी नहीं हो रही. तो क्यों नहीं बताया? सिर्फ आयात लिखी भी है, सिर्फ आयात लिखी भी आ रही है, लेकिन जो आप टेबल्स बताते हैं वो नहीं शेयर हो रही. नहीं टेबल मैंने आपको फर्स्ट टाइम अभी, अच्छा अभी आपको दिखा रहा हूँ टेबल, ये शेयर नहीं होता. एक सेकंड पहले मैं जरा चेक कर लूँ इसको आपका इख्तारा. एक सेकंड, ए किधर गया? आपको शेयर हुआ इख्ताना यख्तानू? नहीं सर. अच्छा तो मैंने कहा इख्ताना यख्तानू जो है इस पैटर्न पे हमने एक फेल पढ़ा, हम पढ़ते हैं और मेरे ख्याल QC6 में शायद पढ़ते होंगे. ताकि देखिए ये इख्तलाफा तो बेसिक है ना, इख्तलाफा यख्तलिफू, लेकिन ये इख्तलाफा यख्तलिफू की तरह तो नहीं है. सिस्टर शमा डू यू अग्री? इट इज नॉट क्वाइट लाइक इख्तलाफा यख्तलिफू. फर्क है ना इसमें, क्योंकि इसके अंदर ये अलिफ आ गया. क्योंकि जब वीक लेटर कोई आता है तो थोड़ा सा चेंज कर देता है. लेकिन अगर हम एक टेबल याद कर लें, इख्ताना यख्तानू का एक टेबल, इस तरह का एक टेबल याद कर लें तो हमेशा आसान होगा. वो कौन सा टेबल है अब देखते हैं. अब नजर आ रहा है आपको इख्तारा यख्तारू? अभी आया सर. इख्तारा का मतलब उसने इख्तियार किया, उसने चुना, उसने इंतखाब किया. अब इख्तारा इख्तारू, इख्तरता इख्तरतुम, इख्तरतु इख्तरना, यख्तारू यख्तारूना, तख्तारू तख्तारूना, अख्तारू नख्तारू, इख्तर इख्तरू, ला तख्तर ला तख्तरू. और अब इंटरेस्टिंग है, मुख्तारुन मुख्तारुन इख्तियार, यानी इसका इसम फाइल और इसम मफूल एक जैसे बनते हैं. क्यों एक जैसे बनते हैं? असल में क्या था? असल में यहाँ पे वाव था तो मुख्तावीरुन था, मुख्तावीरुन था, मुख्तावीरुन और मुख्तावरुन. तो दोनों केस में जब वाव चेंज हुआ इनटू अलिफ तो हमें फर्क नजर नहीं आ रहा. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि जब आप इख्तारा यख्तारू की तरह कोई भी लफ्ज लिखे, इख्ताना यख्तानू, राइट, तो उसका भी क्या आएगा? मुख्तानुन मुख्तानुन. सिस्टर शम्मा हमारे साथ हैं? जी है. चलिए तो आपको ये बात समझ आ रही कि हम एक टेबल पढ़ रहे हैं जो इफ्तियाल के पैटर्न पर है, इफ्तियाल, और इसके अंदर जो रूट लेटर्स में एक वाव आ जाता है. अगर तो ये होता नॉर्मल खा लाम फा वाला खलाफा तो हम कहते इख्तलाफा इख्तलफू इख्तलफता इख्तलफतुम इख्तलफतु इख्तलफना. तो इख्तलाफा वाला टेबल तो हम पढ़ चुके हैं ना, सबको याद है. तो इख्तलाफा का ये सब पैटर्न है, जैसे कि हमने पढ़ा था नसरा का सब पैटर्न का काला. तो हमने काला का एक टेबल पढ़ा, काला कालू कुलता, जो कि है तो नसरा का लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि उसमें कमजोर हर्फ आ गया. अब इसमें भी एक कमजोर हर्फ आ गया तो टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया. तो अब जब भी ऐसे आएंगे लेट, ऐसे अफाल आएंगे जिनमें पैटर्न होगा इफ्तियाल और उसके अंदर वाव आ जाएगा एज सेकंड कमजोर हर, तो उसके अंदर इस तरह का टेबल बनेगा, इख्तारा इख्तारू इख्तरता और मुख्तार.
किसी का क्वेश्चन, सलमान भाई का क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो टेबल दिया गया है ये जो अभी आपने टेबल दिखाया था उसमें इस्म फाइल और इस्म मफूल दोनों एक ही तरह दिखाए गए थे मेरा ख्याल है, दोबारा दिखाइएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ मैंने, और आपको एक बात भी बताई उसके बारे में कि क्यों एक जैसे हैं। दोबारा दिखाऊं आपको? ठहर जाए जी जी। किधर गया? अच्छा ये देखिए मुख्तानुन, मुख्तानुन राइट जी। अच्छा असल में अगर अगर ये इख्तलाफा होता जी तो फिर क्या बनता मुझे बताएं? अब चूंकि हमारे पास जो सेकंड लेटर है वो वाव है, एक असल में क्या एक तवाना इस अलिफ की जगह पे वाव है। सुलेमान भाई ये पता चल रही है आपको बात? जी जी। ये असल में क्या एक तवाना जी, यख तवीनु जी, तो यहाँ क्या बनेगा? मुख तवीनुन। आइए मैं इसको जरा उस पर लिख देता हूं आपके लिए। ये बनेगा एक तवाना राइट, तो बनेगा मुख मुख तवे तवीनु और मुख तवनु। सुलेमान भाई मेरे साथ है आप? जी 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 मैं देख रहा हूं। मुख्तावनु यहाँ तक ठीक है जी? अच्छा, जी जब ये कमजोर हर्फ आते हैं तो आप कुछ चेंजेस आ जाती हैं राइट जी। अब चेंज क्या आई है? चेंज ये आई है कि चूंकि यहाँ पे मुख मुख जबर है ना, जबर अपने बाद अलिफ चाहता है जी, तो वो इसकी जगह पे अलिफ ले आता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मुख तानुन, मुख तानुन। अच्छा इधर भी यही है, ता जबर जाता है मेरे बाद अलिफ हो तो ये भी क्या बन जाता है? मुख्तानुन। अच्छा इसका मतलब है दोनों की शक्ल एक जैसी है जी जी। तो पता कैसे चलेगा? इस्तेमाल में हम देखेंगे कि क्या ये माना दे रहा है। अब इख्ताना का माना क्या होता है? उसने खयानत की, तो खयानत करने वाला है ये जिससे खयानत की जा रही है, कौन मुराद है? दोनों केसेस में मुख्तानुन लिखा जाएगा। तो ये सिर्फ लिखने का इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर दोनों एक जैसे हैं तो कैसे हुए? लिखने में एक जैसे हैं यानी दोनों माने देंगे, ये लफ्ज दोनों माने देगा डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। सुलेमान भाई गुड, ठीक है। और इसके लिए हमने कहा हम इख्तारा एक रख लेंगे, हमारा जो एक पैटर्न इख्तारा, यानी जब इख्तारा का याद कर लेंगे टेबल तो सारे टेबल उस जैसे होंगे जो इस जैसे आएंगे जी। ठीक है सर, शुक्रिया। यू आर वेलकम। अच्छा नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा मुश्किल नया लफ्ज है। फताबा अलैकुम व अफा, अफा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ताबा तो सबको क्लियर है, क्यूसी वन से पढ़ते आ रहे हैं ताबा यतूब राइट। अफा जो फेल है अफा या फू का माना क्या होता है? माफ कर, दरगुजर कर। अब किस तरह से दरगुजर करना है? ये बड़ी इसमें स्पेशल बात है कि अफा याफू जब हम कहते हैं तो इसके अंदर जो मुराद होती है कि इस अंदाज में दरगुजर करना कि जैसे कि उसको जो है एक लंबी ढील दे देना, ये भी एक माफी है ना कि लंबी ढील दे देना यानी अफा। तो यानी यहाँ पर ही मुराद ये फताबा अलैकुम व अफा अनकुम, यानी तुम्हें जो है थोड़ा सा मुतवज्जे हुए और तुमको ढील दे दी, मोहलत दे दी, यानी माफी अता कर, दरगुजर कर दिया। यानी ये वंस दरगुजर करना है किसी के गुनाह को इग्नोर ही कर देना कि चलो हम इस पे बात ही नहीं करते। आयतुल आपकी जो सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयात है 286, उसको गौर से पढ़ी और वहां पर इसका माना देखे क्या क्या है, याद है किसी को? क्या पढ़ते हैं रोजाना रात को? वाफु अन्ना, यानी आप हमें दरगुजर कर दें हमारे गुनाहों का, वाफु अन्ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नया लफ्ज है हमारे लिए।
باشرو ہونا یہ امپورٹنٹ لفظ ہے باشرو تو یہ کیسے بنا ہوا اس کو دیکھتے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باشرو جو ہے یہ جاہدو کی طرح ہے اور باشرو جو یہ امر ہے جی امر ہے امر یعنی آپ نے دیکھنا معنی کے لحاظ سے فلانا باشرو اب آپ تم کیا کرو تم سب باشرو ہننا آئیے اس کو دیکھتے ہیں لفظ کو باشرو ہننا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے حبیب الرحمان بھائی باشرا یو باشرو نہیں سر ابھی نہیں آئے نظر آ رہا جی 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 آ رہا ہے تو باشرا یو باشرو کا جو معنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے اصل میں جو لفظ ہے باشرا یو باشرو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے نا ہم جاتے ہیں روٹ لیٹر پہ اس کا معنی تلاش کرنے کے لیے وہ ہے بشارا بشارا یب شروع جب شروع نسرک اچھا میں کیوں روٹ ٹائٹل پہ جاتا ہوں یہ صرف ایک دفعہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس کے معنی جو ہے نا نکلے کیسے اوریجن تو اس کے بعد یو ڈونٹ ہیو ٹو ریکال ریمبر کہ جی آپ کو ہر فیل کا نظر آئے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بشرا یب شروع جو اس کا روٹ لیٹر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کھال کو اس طرح چھیلنا کہ جلد نظر آ جائے یعنی کسی جانور کی اگر آپ اس میں بہت سارے بال وغیرہ ہوتے ہیں اس کو چھیل کر جب الگ اس کی اسکن نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا یہ بشرن یعنی اس کی کھال کو صاف کر کے جلد نمایاں ہو جانا تو اسی سے بنتا ہے بشیرا سمیا کے پیٹرن پہ جس میں ہم کہتے ہیں بشارت خوشی خوشخبری دینا کسی کو اسی سے بنتا ہے بشرن انسان تو کیا ریلیشن ہے ریلیشن یہ ہے کہ چونکہ انسان کے جسم پہ بال کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جانوروں کے تو جلد زیادہ نظر آتی ہے انسان کی تو وہ بشرن ہو دس از ہاؤ دا ورڈ اوریجنیٹڈ اور اگر ہم استعمال کریں باشرا یو باشرو اس کا معنی یہ ہوتا ہے بیسیکلی ایک جلد کو دوسری جلد سے ملانا یعنی کانٹیکٹ تو اسی سے یہ لفظ بنا کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاط یا مباشرت تو یہ لفظ اسپیسیفکلی اب جب استعمال ہوتا ہے مفاعلہ کے پیٹرن پہ اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں لیکن جب ڈفرینٹ باب سے وہ بنتے ہیں تو ڈفرینٹ معنی دیتے ہیں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی عام طور پہ لنکیج ہوتی ہے تو اگر ہمیں لنک سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں بھولے گا نہیں کہ یہ معنی کیسے نکلے تو باشرو یو باشرو میں کا مین معنی ہے میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا یعنی آپس میں ملنا تو یا ان کا جلد سے جلد کا کی ملاقات تو یہ باشرو ہننا کہ آپ اب یہ باشر دیکھیں اس کا جو اس کی جو امر ہے وہ باشر اور جمع کیا باشرو تو اب یہاں پر آ گیا باشرو تم سب مباشرت کرو ایک طرح سے یہ بھی حکم ہے بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ لٹرلی مانا یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہیں اجازت نہیں تھی اب تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ کرو باشر ہننا ایک اور بات ہے جب سیکھیں گے کہ ان کا اعراب نہ میں دیکھیں گے کیسے کرتا فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کی صرف آئیے ابتہو اب ابتہو کو اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ فوری بتا سکتے ہیں اس کا ماضی مضارع روٹ لیٹر کون ہاتھ کھڑا کر کے بتانا چاہے گا ابتہو اب میں صرف نصرت سے نہیں پوچھوں گا باقی لوگ بھی کلاس میں ہیں تو میری ریکویسٹ یہ حبیب الرحمان بھائی بتائیں گے جی سر یہ اصل میں اس کے جو روٹ لیٹر ہیں یہ ہے بے با غین یا اور یہ اس کا جو ماضی ہے یہ ابتغا سے یہ فعل امر اصل میں ابتغا ہے اور یبتاغی ابتاغی اور مبتاغن اور مبتاغن اور آگے مستر اس کا بنتا ہے ابتغا اچھا ٹھیک ہو گیا اب ابتغا یبتاغی سے
ये इब्तहु जो है ये कौन सा है सीगा? ये सर अमर है ना, अमर यानी वायदा ही जमा है, ये जमा है सर, जमा है, जमा है, ठीक हो गया, जमा। अच्छा अब इसका माना क्या इब्तहु का? ये सर है तलब करना, तलब यानी तलब करना, तलब करें। इब्तहु का माना फिर क्या होगा? यानी ये इब्तहु पूरा एक सेंटेंस हुआ ना, तो इसको इसका इब्तहु का तलब करो, तुम सब करो, तलब करो, तुम सब क्या करो, तुम सब चाहो, तुम सब तलाश करो, चाहो या तलब करो, ठीक है। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तो इसका आप रूट जो इसका जो रूट लेटर में से जो इसका निकला जो फेल निकला बगा यबगी, तो उसमें जो इसका जो बेसिक माना है वो ये है कि किसी चीज की चाहत या तलब जो आपने बताई। अच्छा, अगर वो सिर्फ चाहत तक रहे तो ये इसका एक माना है, जिस तरह यहाँ पर है चाहत और तलब करना, और अगर ये चाहत और तलब के एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो इसी लफ्ज का माना हो जाता है बगावत, सरकशी, राइट? द वर्ड इज द सेम, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज, और खास तौर पे तुम्हें पता चले इसके माना किस तरह आते हैं। इब्तहु ये भी क्लियर हो गई। लेट्स से और कौन सा नया लफ्ज है? वकुलू, ये कोई बता सकता है कि कुलू के बारे में कि ये कैसे बना? जी अब्दुल भाई साहब आप बताएंगे। काइंडली हाथ खड़ा करके बताइए। सिस्टर अर्जुमंद आप ट्राई करेंगे कुलू? अच्छा जी जी, मैं कर रही हूँ, मैं अपना वो खोल रही थी जी। ये अकला से बना है, अकला याकुलू, कुल जी, जी। कायल माकुल और अकल अकलुन। तो ये कौन सा वाला सीगा है? कुलू अकला जो है ये सीगा, ये अकला कुलू। आप क्या पूछ रहे? अच्छा यहाँ सीगा कौन सा ना? तो कुलू जो है ये अमर, अमर है ना, कुलू अमर है, जमा है, जमा है जी। अगर मैं आपसे कहूँ कुलू में इसका हर फेल के साथ एक फाइल होता है, तो कुलू में फाइल क्या है? कुलू तो ये अंतुम होता है, अंतुम, अंतुम, बिल्कुल ठीक है। कुलू अंतुम इसका जो है ना फाइल है कि तुम सब खाओ, तुम सब खाओ जी। इसी तरह इशरबू, ये भी बता दी, तुम सब पियो, तुम सब पियो जी, वो तुम सब पियो। तो ये भी इसका अमर आ गया, ठीक है, अमर आ गया जी। ये तबैयना, युबैयना जी, ये बना है, ये तबैयना जो है ये बना है तबैयना से, तबैयना, तबैयना माजी है, तो मुजारे क्या होगा तबैयना का? यतबैयना, यतबैयनु, सॉरी यतबैयनु जी, उसमें तो सब में दम्मा आते जी, यतबैयनु जी। तो यहाँ पर फतह आ गई, जबर आ गई, क्यों? हत्ता की वजह, यहाँ पे ये हत्ता की वजह से जी। अच्छा, तो ये जब हत्ता आता है ना इस माने में कि यहाँ तक, तो हम कहते हैं हत्ता के बाद छुपा हुआ इसमें अन जी जी, राइट, अन छुपा हुआ है, और उसकी वजह से अंश की वजह से ये बन गया, इसको फतह मिल गई, ये इसको मंसूब कर देता है जी। तो देखें, तो ये हता जो है ये हर्फ नासिबा में से हो गया जी। इससे पहले हमने और भी पढ़े, अगर लन आता है तो वो भी नसब कर देता है मुजारे को जी, जी को। तो और ली भी जब आता है लाम तालील वो भी कर देता है, हता भी कर देता है। अच्छा एक्सेलेंट। खैत, खैत का माना होता है बेसिकली धागा, कहते हैं ना धागा, बिल्कुल। और आपको पता टेलर को क्या कहते हैं? खयात, खयात, या पे होती है वो जी, खयात, या के ऊपर जो है शायद खयात, यानी टेलर, खयात टेलर। और खियात सुई को भी, अच्छा अगर 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 बगैर उसको बगैर शर्त के कहे ना खियात, तो कहते हैं सुई को, नीडल को, खियात, जी जी, से, खियात। जी जी जी, वो आपकी नीडल हो जाएगी, राइट। और अबयदु का माना सफेद, वाइट जी, ठीक है, वाइट हो गया। और अस्वद का माना ब्लैक, काला जी, ब्लैक जी। अतिमु पूरा करो, अब पूरा करो जी, अतिमु तो है पूरा करने के लिए, ये भी अमर ही है, ये भी अमर है, जमा है,
और जमा है, अमर है, इसका और बता सकते हैं माजी मुजारे? जी ये माजी मुदारे, माजी इसका अतम्म, युतिम्मु, अतिम, और इसका और फिर इसका इसका जो होगा मुतिम, मुतिम, मुतिम्मुन, मुतिम्मन और इतमाम। एक्सेलेंट। तो क्या अतिमु में और अहिल्ला में कोई आपको नजर आ रही है कोरिलेशन? ओहिल्ला में और ओहिल्ला, ओहिल्ला लकुम, ओहिल्ला और अतिमु, जी जी ओहिल्ला जो है वो तो बस ये था कि वो मजहूल था, वरना लेकिन पैटर्न एक जैसा है। पैटर्न मेरे ख्याल में तो एक ही जैसा है, उसका भी जो अमर होगा वो अहिल्लू होगा। हाँ जी एक जैसा है, यानी ये एक, दोनों वर्ड्स एक हैं अदल्ला युदल्लू की तरह है। क्या सबको नजर आ रही है बात? जी अदल्ला युदल्लू की तरह। जी एक्सेलेंट। चले जी नेक्स्ट आते हैं आकिफून। आकिफून आकिफून क्या फिल माना? मसाज इसमें जब करना आप चाहे और कोई और बता दे, कोई और हाथ खड़ा करके बता दे आकिफून कैसे बना होगा। अकफा, अकफा से बना जी, याकिफू, ये उस पे नहीं होगा, दरबा के पैटर्न पे नहीं होगा ये आकिफा, आकिफूना। चेक कर रहे हैं मेरे पास नसरा के पैटर्न पे लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख लें अगर। जी दोनों एक्चुअली मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था कि दोनों के पैटर्न पे होते हैं, दरबा भी है और नसरा भी है। जी दोनों पे ऐसे भी हो सकते। तो क्या माना होता है अकफा का? इतिकाफ करना, इतिकाफ से निकली हुई ये लफ्ज है ना, इतिकाफ करने से। इसका जो लिटरल मीनिंग है चिपक जाना किसी चीज के साथ। अच्छा राइट, तो चिपक जाना, चिपक कर बैठना, यानी मस्जिद से ना निकलना, मस्जिद में ही रहना। जी जी आकिफून। अच्छा इसका मतलब चिपक जाना। और यहाँ पर कौन सा नया लफ्ज है? युबय्यिनु, इसका माजी क्या है? कौन करना चाहेगा? बयना सर। सिस्टर तमकीन बताना चाह रही है, हमारी मेंटोर। जी सिस्टर। बयाना युबय्यिनु तभी। माशाल्लाह एक्सेलेंट। तो क्या माना होगा बयाना युबय्यिनु का? वाजे कर देना, वाजे करना, खोल के बयान किया। ठीक है ना, ये मुतअद्दी इस्तेमाल होगा और बाकी सारे लफ्ज हमारे लिए। तो अब ये इस पेज पे तदब्बरा के पैटर्न पे तबय्यना नहीं, तदब्बरा का पैटर्न नहीं है, जरा गौर से देखें। सब्बा का, सब्बा का है, अल्लामा का पैटर्न है, अल्लामा के पैटर्न पे है सर। युअल्लिमु करेक्ट, सबको नजर आ रहा है ये? यतबय्यना सर, तबय्यना का युबय्यिनुल्लाहु। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तबय्यना, यतबय्यना नहीं, ये तबय्यना तो इधर नहीं है, वो ऊपर मैं गलत। अच्छा ऊपर है, ऊपर है, सॉरी मैंने अभी देखा, मैं नीचे देख रहा था, ठीक हो गया। अच्छा इस स्लाइड पर कोई नया लफ्ज तो किसी के लिए तो नहीं है ना? हमारा ग्रामर ठीक हो गया, और ग्रामर से मुराद है हमारा वोकैबुलरी। आइए अब देखते हैं इसके अंदर जो है नाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ओहिल्ला लकुम, जब हमने कहा कि ओहिल्ला जो है ये है मजहूल, तो जब भी फेल मजहूल होगा उसका कोई ना कोई नायब फाइल होगा, करेक्ट? तो अब हमने नायब फाइल तलाश करना है, ओहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु। तो ये हमने एग्जांपल में कर लिया था कि हमारा रफसु जो है यहाँ पे नायब फाइल है, करेक्ट? अच्छा लेट्स मूव ऑन कि हमें और कौन सी चीज यहाँ पर है। आज हम एक और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जितने भी आपके जमायर होते हैं, जमायर का मतलब है प्रोनाउंस, और जो होते हैं मुनफसिल, क्या माना होता है जमायर मुनफसिल, कौन बताना चाहेगा? सर ये अलग जो होते हैं ना मुनफसिल, जो जमायर अलग होते हैं, जैसे नानो हो गया, आना हो गया, तुम, अंता, आना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुन्ना जो है ये जमीर मुनफसिल है, करेक्ट? सब मानते हैं इस बात को, हुन्ना, हुन्ना, यस सर। अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ हुन्ना लिबासुन, तो क्या इसका नाफ पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं किस तरह का जुमला है ये? जुमला इस्मिया, ये तो जुमला इस्मिया जी, जुमला इस्मिया। इसका मुब्तदा क्या है? हुन्ना,
हुन्ना। अच्छा, इसको हम कैसे इसका इराब बताएंगे हुन्ना का? क्योंकि अगर हमने कहा ये जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा हमेशा इसमें नून होगा। ये मबनी है ना सर, मबनी। अच्छा, मैं इसको मैं लिखता हूँ आपको। ये आज फर्स्ट टाइम शायद कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जिसको हम सीखेंगे, क्योंकि हम क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको सीखने के लिए यूं कहें कि अगर आपको नजर आ रहा है ये वन नोट। जी सर, जी सर, हुन्ना लिबासुन। तो हुन्ना जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप सबसे पहले कहेंगे कि ये जमीर है, प्रोनाउन है, बल्कि सबसे पहले इसम है। इसम कौन सा है? जमीर। और कौन सी जमीर है? मुनफसिल। मुनफसिल। अच्छा, क्या क्या ये इतना कहने में कोई मुश्किल पेश आ रही है आपको कि जमीर मुनफसिल है? अच्छा, अब जैसे चौधरी साहब ने कहा कि इसके आखिर पे कभी चेंज नहीं होता, ये हुन्ना हुन्ना ही रहता है, चाहे ये मरफू हालत हो मंसूब हालत हो, हुन्ना ये चेंज नहीं होते ना, जो हुआ होम इनकी एंडिंग्स चेंज कभी नहीं होती। नहीं, इनकी एंडिंग्स चेंज नहीं, उनको क्या कहते हैं? उनको मबनी। ये मबनी है, लेकिन किस एराब किस शक्ल पर मबनी है? मबनी अला क्या है ये? मबनी अलल फता। अलल फता महलन मरफू है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ तक जो है ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या सब ये बता सकते हैं ये क्या है? हुन्ना जमीर मुनफसिल है और मबनी अल फता है, इसका मतलब है मबनी अल फता है। लेकिन इसकी जो इसका जो एराब है, चूंकि ये मुब्तदा है, वो क्या होना चाहिए? मरफू। मरफू। तो मैं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा फी क्यों ऐसा है? लिअन्नहु मुब्तदा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि आपने ही जब आप जाएंगे ना QC7 में, तो फिर हमारी ये पहुंच होगी कि हम इसको डिस्क्राइब कैसे करें। अभी के लिए सिर्फ ये एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको सारी ये बातें पता हैं। हुन्ना जो है अलग से जमीर आ रही है, अटैच नहीं है, तो इसका नाम मुनफसिल है। अगर ये अटैच्ड होती तो इसका नाम क्या होता? मुत्तसिल। मुत्तसिल, ठीक है। और चूंकि ये जमीर इनके आखिरी में चेंज नहीं होती तो को कहते हैं मबनी। yes. किस चीज में मबनी? अलल फता। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये चूंकि मुब्तदा है तो इसका अपना एराब एक होता है, वो मरफू होता है, मरफू या रफ़ एक ही बात है। तो हम कहेंगे फी महले रफ है, फी महले रफ, क्योंकि ये मुब्तदा है। सिस्टर शमा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई इतनी लंबी अरबी देख के? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल चले ठीक है। मैं एक्चुअली QC7 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपका ये क्लियर है। Agreed? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जी, मैं आपसे एक चीज पूछूं अर्शद साहब कि ये जो है ये मतलब हमसे कब पूछा जाएगा इस तरह लिखने के लिए? अगर हम हमारे पास ऐसे सवाल आएंगे कि हमें एक्सप्लेन किया जाए, ये पता है इसलिए कि जब आप QC7 में आ जाएंगे और आप बाकी दुनिया के लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे कि जिन्होंने अरबी पढ़ी है, ग्रामर पढ़ा है, तो वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सही। तो आप या किसी और कोई और आप ग्रामर की बुक खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए यू शुड बी फेमिलियर कि ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो लोग अरबी पढ़ते हैं। अगर आपको टर्मिनल नहीं भी आती हो तो आपको पता है कि हुन्ना क्या है। अग्री सर, बात करनी थी। जी सिस्टर गुलनाज। जी, ये सर असल में वो क्विज वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा था हमारी, इस तरह ग्रामर की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, जिससे हमें पता चले कि ये हमारी गलतियां हैं। इस वक्त आप किस मेंटोर ग्रुप में हैं सिस्टर? ये तमकीन गुलाम हुसैन साहब। जी मिस्टर गुलाम हुसैन साहब, सिस्टर गुलनास को जरा कुछ देना एक्सरसाइज। जॉय साहब, सर ये कोई हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, इनको देना प्रैक्टिस थोड़ी सारी इस हफ्ते। राइट सर,
ठीक है ना, ताकि इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करनी, ये जो मैंने आपको अभी लिखाया है दिस इज फॉर योर ऑब्जर्वेशन कि ये हम इस तरीके से आपने समझना है। तो हम ये करेंगे कि जब एक एक क्विज भी दे देते हैं, ताकि जब आप तैयार हो हम आपको एक क्विज भी दे देते हैं, ठीक है ना जी। तो एक क्विज के फॉर्म में भी सिस्टर गुलनाज कह रहे हैं हमें क्विज दें, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लिबासुन लकुम अंतुम लिबासुन लहुन्ना। अब अंतुम लिबासुन लहुन्ना, इसको कौन बताएगा ये सेंटेंस क्या है, इसके अंदर कोई है जुमला इस्मिया जुमला फेलिया? मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं अदर देन मेंटर्स, कौन जवाब देना चाहेगा अदर देन मेंटर्स, पहले हाथ खड़ा करके। जी चौधरी साहब, चौधरी अब्दुल कद्दूस सर, अंतुम इसका मुब्तदा है। अंतुम मुब्तदा है जी सर, लिबासुन उसकी खबर है मरफू जी, लाहुन्ना जार मजरूर है सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लहुन्ना में हुन्ना का एराब आपने बताना है। लहुन्ना का अदाब सर, लहुन्ना का एराब जो है ये मजरूर है, हुन्ना का सिर्फ हुन्ना का हुन्ना का मजरूर है सर। अच्छा मजरूर है, लेकिन इसको कैसे कहेंगे मजरूर है ये? इसको कहेंगे कि महलन मजरूर है। एक्सेलेंट। अच्छा जो आपने बात की एक्सेलेंट, यानी आपको समझ आ गई कि इसका लफ्जन तो इसके ऊपर मबनी अल फतह है जी सर, नजर आ रही है, लेकिन इसका इराब मजरूर है। लेकिन सेंटेंस में ये है, सेंटेंस में ये पता चलता है कि ये महलन जो है ना एक्चुअली इसको मजरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मबनी है। नहीं, मजरूर क्यों होना चाहिए? मजरूर क्यों होना चाहिए? इसलिए कि ला साथ आ रहा है ना सर, जार आ रहा है, हरफे जार आ रहा है। एक्सेलेंट जी सर, ये जो 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 आपने बताया है दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना। अगर मैं ये कहूं कि अन्ना जो है इन्ना की तरह होता है, इसका एक इसम होता है और इसकी एक खबर होती है, तो इसको रिजॉल्व करना कितना मुश्किल है। आई वांट टू सी कि कोई हाथ खड़ा करके इस सेंटेंस को रिजॉल्व कर सकता है नाफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टर शमा आप कर सकती हैं, अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, बल्कि यहां तक अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, यहां तक ये अन्ना जो है ये इस अन्ना की सिस्टर है। चलें जी, इन्ना की सिस्टर होगी जी, इन्ना की सिस्टर है। कुम जो है वो ये मुब्तदा है, वो है अन्ना का इस्म है, कुम अन्ना का, अन्ना कुम जो है अन्ना का इस्म है, तो कुम का मतलब होता है यानी अंतुम जी, अंतुम। और कुंतुम जो है इसकी खबर है, कुंतुम इसकी खबर है, कुंतुम इसकी खबर है, जरा सोचे इसको, इसकी खबर कुंतुम है या इसकी खबर जो है पूरा जुमला है कुंतुम। हाँ, जी ये पूरी खबर है इनकी, पूरा जो जुमला है ना जी, कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, अनफुसकुम ये इसकी पूरी खबर है। एक्सेलेंट। अब इस खबर को क्या इराब बताएं, कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम जो है इसको अगर हमने करना हो क्या कहते हैं इसको, अगर ये काना का इसमें इसम और खबर नजर आ रही है जी सर जी, तो काना का इसम कहाँ पर है? काना का इसम जो है वो तुम है, तुम अंतुम, ठीक हो। और खबर, खबर जो है तख्तानूना अनफुसकुम, इसकी खबर है। एक्सेलेंट। तख्तानूना ऐसी खबर है, और तख्तानूना के साथ जो अनफुसकुम है ये अनफुसा क्यों मंसूब है? मतलब यह है कि आपको ये ग्रामर समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आ जाते हैं, फताबा अलैकुम वाफा अनकुम, तो ये भी बड़ा क्लियर है। फताबा में फेल और फाइल मौजूद है,
अलैकुम जार मजरूर है, ठीक है, वाओ उस पर अतफ कर रहा है, अफा फेल माजी है, राइट, फेल और फाइल अंदर ही है, अंदर ही है इसके, हो गए, ठीक हो गए। अब आ जाते हैं बाशिरु हुन्ना, ये कौन करेगा, बाशिरु हुन्ना, इसका इसके अंदर को मुझे बता सकता है इसम, इसके अंदर फेल फाइल मफूल क्या है, बाशिरु हुन्ना जो न्यू स्टूडेंट्स अदर देन मेंटर्स, हाथ खड़ा करें प्लीज ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग, अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं मुझे बता दें, सिस्टर शबनम जी। सर इसमें बाशिरु हुन्ना, तो बाशिरु फेल है और हुम उसका फाइल है, वाओ जो है और है ये इसका, इसको दोबारा करें, बाशिरु हुन्ना में कि आपने पहले बताया कि ये कौन सा फेल है, फेल सर, फेल बा फाइल है ना, ये फेल है, अमर फेल है, अच्छा इसके अंदर ये फेल अंदर है, तो फाइल कहाँ पर है इसमें, सर वाओ में है ना, वाओ में फाइल क्या है बताइए, आरा है, अंता है, अंतुम है, हिया है, क्या चीज है, सिर्फ सिस्टर बताए, सिस्टर शबनम जी सर, फाइल क्या है इसमें, बाशिरु में हुन्ना, हिया का हुन्ना सर, हिया का तो हुन्ना होगा ना सर, हुम होगा ना, हम कैसे होगा, देखिए जब आप जब एवरीबॉडी क्वाइट, सिर्फ शबनम से बात हो रही है, जब भी अमर आएगा ना, याद कर, जब भी अमर होगा ना तो उसमें फाइल होगा अंता या अंतुम, क्योंकि आप किसी से डायरेक्ट मुखातिब होकर उसको ऑर्डर दे रही है ना, तो अब जब बाशिरु कह रही है कि तुम सब अंतुम, तो इसका फाइल होगा अंतुम, अब आपने तलाश करना है क्या मफूल भी इसमें है जुमले में, बाशिरु हुन्ना में जी सर, ये हुन्ना, अब मुझे बताइए पहला वाला हुन्ना हमने पढ़ा था हुन्ना लिबासुन, तो यहाँ मुब्तदा था करेक्ट, और इसका इराब था हुन्ना का मरफू था राइट करेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था सुलेमान भाई ने बताया था अंतुम लिबासुन लहुन्ना, यहाँ पे हुन्ना का इराब क्या था सिस्टर शबनम, मजरूर था सर, मजरूर था, और अब हुन्ना जो आ रहा है यहाँ पर इसका इराब क्या है सर, मंसूब है, मफूल भी है, तो आपने देखा एक ही लफ्ज हुन्ना है लेकिन अपने इस्तेमाल की बदौलत कभी ये मरफू हालत में आया, कभी मजरूर हालत में आया और कभी मंसूब हालत में आया, इंटरेस्टिंग राइट, क्या ही सिस्टर आखिरी क्वेश्चन है, ये क्विज ही हो रहा है, क्या ये मजजूम हालत में भी आ सकता है कभी, जी इसमें है ना, जी देखिए याद रखें ये इसम है, इसम में मजजूम हालत नहीं होती, yes. याद रखें इसम में या मरफू होता है या मंसूब होता है या मजजूम, सॉरी या मैंने क्या कहा, या मजरूर होता है, मजजूम हालत होती है आपकी फेल में, yes, sir. अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इब्तहु मा कतब अल्लाह, इस सेंटेंस को कोई करना चाहेगा ताकि हम मिलकर कर सके, इब्तहु मा कतब अल्लाह लकुम, तीन हैंड्स रेज हुए हैं, सिस्टर परवीन, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, इब्तहु सही फेल जी सर, इब्तहु जो फेल अमर है जिसमें फेल और फाइल दोनों है और माँ जो है इसका मफूलुन बिही बन रहा है और कातबा पहले बताया फाइल क्या है, इसमें फाइल क्या है इब्तहु में, इब्तहु में अंतुम है ना सर, अंतुम सब तलब करो जी, ठीक हो गया, अब इसका मफूल भी क्या है, माँ है सर राइट, और कातबा जी कातबा जो है वो फेल है और इसके लिए हमें फाइल चाहिए, तो फाइल आगे हमें नजर आ रहा है मजरूर हालत में अल्लाहु, अच्छा ठीक है सर, एक चीज बिल्कुल सही है, एक चीज इसमें रह गई है, आपने पढ़ा था याद करें अल्लाजी और माँ के बारे में एक बात पढ़ी थी कि इनको कहते हैं इस्म मौसूल, आपको याद है ये बात, जी सर इसका सिलतुल मौसूल होना चाहिए जो कि कातबा की फॉर्म में आ रहा है,
एग्जैक्टली तो अब इसमें आपने दो चीजें बतानी, जब माँ, जब आपसे कोई कहा जाए कि माँ के बारे में बताएं, तो माँ के बारे में आप स्टार्ट किस तरह करेंगी कि माँ असल में क्या है, माँ असल में क्या, आप कहेंगे इसम मौसूल है, इसम मौसूल है जी सर। अच्छा, जब इसम मौसूल है तो इसके ऊपर क्या टेप साया कर रहे हो, शक्ल क्या है, क्या इसके इसके आखिर पे ये सुकून ही है ना जो नजर नहीं आ रहा लिख के ऊपर, ठीक है सर। और कभी चेंज नहीं होता ये, नो सर। तो मैं कह सकता हूँ इसम मौसूल मबनी अल सुकून, कह सकता हूँ सुकून पे मबनी है, लेकिन इसका इराब क्या है, फी महली मंसूब है, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, मफूल भी है। अच्छा, अब आप कहेंगे चूंकि आपने इसम मौसूल कह दिया, इसके बाद हमेशा एक छोटा सा सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस जुमला सिला भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जिसको हम इसका सिला कहते हैं, वो आपने बता दिया, आपने बताया कतबुल्लाह उसका जो ये इसका सिला, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया जी सर, परफेक्ट। वलकुम जार मजरूर, जार मजरूर, परफेक्ट। अच्छा, वकुलू वशरबू, तो ये भी जो है अमर का सीगा है, वकुलू, इसमें भी अंतुम है जमा का, वशरबू और पियो, इसमें भी अंतुम जमा का सीगा आ रहा है। फिर ये हत्ता या तबैयना, ये यत्तबैयनु ये तब होना चाहिए थे, हत्ता की वजह से इसको उसने मजारे पे अमल करके इसको मंसूब कर दिया है, इसकी फतह आ गई है। लाकुमुल खैतु, लाकुम जो है वो जार मजरूर आएगा, और अल खैतु जो है वो बनेगा मुरक्कब तौसी, अल खैतु अल बैजु, ये फाइल है, किसका फाइल है, ये नोट करें, ये तबैयना जो है इसका फेल तलाश करें, फेल फाइल, तो इसका फाइल अल खैतु खैतु आएगा ना, आप सबका परफेक्ट, इसका फाइल जो है तबैयना का अल खैतु है और करेक्ट। अच्छा चले आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा ला तबाशिरु हुन्ना में ये ला कौन से वाला ला है, हमने तीन लाम आज पढ़े, एक ला था जो जो लाए नफी लिल जिन्स है, एक ला था नाफिया और एक ला था नाहिया, ये वाला कौन सा ला है, ला तबाशिरु हुन्ना, सही लाए नाहिया है, सही लाए नाहिया है, सोच लें, लाए नाफिया मैंने कहा था वो है जो के नहीं, जो के नेगेट करता है फेल मुजारे को, जबकि ला नाहिया वो है जो के ऑर्डर नेगेशन में आता है, ग्रामर में ऑर्डर ऑर्डर को नेगेट कर रहा है ना, तो फिर ये ला नाहिया हुआ ना, नाफिया नहीं, नाहिया। तो मैं नाहिया ही कह रही थी सर, नहीं ओके ओके सॉरी। अच्छा ये भी बता दी सिस्टर कि हुन्ना यहाँ पे इसका क्या इराब है, तो बात शुरू, हुन्ना हुन्ना जो है यहाँ पे ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मफूले भी, जब आपसे इराब पूछे तो आपने बताना है क्या ये मरफू है, मंसूब है, मजबूर है, ये फता है ना इसके ऊपर, फता है, क्या फता होने की वजह से ये मंसूब है, और किसी ने जवाब नहीं देना, सिस्टर कौन सी बात कर रही थी, ये सर लाए नाहिया की वजह से, सिस्टर बात कर रही हूँ, सिस्टर परवीन नहीं, कौन बात कर रहा है, अच्छा आप बताइए कि हुन्ना पे जो उसका जबर है क्या ये इसकी अलामत है नसब होने की, नो सर नो, क्योंकि ये तो मबनी रहता है हमेशा जबर पे, चेंज नहीं होता जी, महलन है सर, तो जब देख अब महलन है तो हम कहेंगे कि ये महलन जो है ना मंसूब है जी सर, तो ठीक हो गया। अंतुम आकिफून ये कौन करना चाहेगा, जिन्होंने अभी तक कोशिश नहीं की, जफर भाई,
सर क्वेश्चन एक जी सिस्टर क्वेश्चन सर माँ का बता रहे थे अभी पिछले सेंटेंस में कि इसम मौसूल है मबनी अलल सुकून है फिर आपने कहा कि फी महले नस्ब है ये जी फी महले नस्ब है क्यों नस्ब है इस पे मफूले भी है नहीं मुझे अच्छा यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना मफूले भी है इसलिए अच्छा मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सिस्टर कौन सी बोल रही है आवाज आपको यहाँ पता नहीं चल रहा सर सादिया सादिया अच्छा देखिए ना इसको पढ़े इब्तहू मा कतब अल्लाह ठीक है इब्तहू का माना तुम तलाश करो ठीक है जी ठीक है क्या तलाश करो मा कतब अल्लाह तो ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में मा कतब अल्लाह तो यानी ये मफूल मफूल क्या होता है कि जिस पर फेल एक्ट कर रहा होता है अब तलाश करो क्या तलाश करो जी ठीक है जो लिखा गया जो जो लिखा गया उसका मतलब है माँ जो है मफूल ही है ठीक है सिस्टर अर्जुमन आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जी मेरा एक सवाल है आपने अभी जैसे कहा था ना कि अस्मा जो होते हैं उनके ऊपर सुकून नहीं आता तो यहाँ पे ये जो है माँ जैसे इस्म इनके ऊपर आ जाता है क्योंकि ये मबनी है जो मबनी होता है ना वो अच्छा। वो उसकी हालत है जैसे वो बना लफ्ज ओ अच्छा अच्छा तो अब उन पे आ सकता है लेकिन एराब में नहीं एराब ये होता है कि हमने एराब की बात की थी कि एराब या मरफू होता है इसका भी एराब हम इसका एराब मजजूम नहीं कहेंगे अच्छा। माँ का एराब हम क्या कहेंगे हम इसके जगह उस पे डिपेंड करें यहाँ पे तो क्योंकि ये मफूल बे ही है तो इसलिए ये नसब की हालत में इसका एराब मंसूब होगा जी एग्जैक्टली इसका एराब जो है यानी माँ का एराब नसब हो सकता है रफ की हालत हो सकती है या वो ये मजरूर भी हो सकता है क्योंकि अगर लेकिन मंसूब नहीं होगा अगर इसके आखिर पे देखे हम जब बहुत सारे अल्लाजी पढ़ते हैं अल्लाजी के आखिर में भी सुकून है ना जी 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 लेकिन इसका एराब मज़ूम नहीं है अच्छा अच्छा दो अलग चीजें होगी ना ये आखिर में सुकून आ सकता है जो उसके ओरिजिनल स्पेलिंग में है स्पेलिंग में जो है जी जी लेकिन एराब उसकी हालत बता रहा है उसकी हालत बता रहा है कि वो किस हाल में काम कर रहा है उस सेंटेंस जुमले में जी बहुत शुक्रिया तो अब मैं नेक्स्ट कर रही हूं कि सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बाशिरुहुन्ना है उसमें आपने कहा है कि ज़मीर मुनफसिल आती है अंत मानता तो ये जो फेल अमर और नहीं दोनों में ये होता है जैसे तुबाशिरुहुन्ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बात किया मैं अब बताए तुबाशिरुहुन्ना में ये हुन्ना कौन सी ज़मीर है क्या ये मुनफसिल है या मुत्तसिल है सिर्फ सिस्टर बताएं ये तो मुनफसिल है ना सर मुनफसिल है नहीं नहीं ये मुत्तसिल है ये अटैच्ड है देखिए ये मुनफसिल कहते हैं डिटैच्ड जो शुरू हुन्ना लिबास में ये डिटैच्ड है या हुन्ना में ये अटैच्ड है अच्छा अटैच हुई यानी ये मुत्तसिल है अच्छा बाशिर हुन्ना में हुन्ना जो है ये मुत्तसिल है अटैच्ड है तो बाशिर हुन्ना में हुन्ना मुत्तसिल है अटैच्ड है सिस्टर ये बात क्लियर हुई आपको कि हुन्ना कौन सा आता है जी अशर भाई इसको हम इसलिए कह रहे हैं ना जी जी सर फेल बा फाइल का हम पूछ रहे हैं मैं पूछ रही हूँ जैसे है बाशिरू तो उसमें वाव जो है वो अंतुम है मैं ये पूछ रही हूँ फाइल का मैं पूछ रही हूँ तो तुबाशिरू जो है इसमें भी ज़मीर जो है जैसे अंतुम है मुनफसिल आएगा ठीक है अर्शद भाई इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ये मुतसिल है क्योंकि वाव के आगे अलिफ नहीं आ रहा नहीं मुतसिल इस तरह है क्योंकि ये जब भी ज़मीर अटैच होती है फेल के साथ जी अटैच्ड फॉर्म में आती है और मफूल भी आती है इधर तो अलिफ वाला है ना इधर मुझे पता है लहुन्ना में भी तो यहाँ तो कोई वाव या अलिफ नहीं है लेकिन यहाँ पर भी ये अटैच्ड है लहुन्ना जी वो तो साफ पता चल रहा है ना लहुन्ना में लेकिन यहाँ पे मैं सोच रही थी कि शेरुन्ना जो है ये वन वर्ड है वन वर्ड है जब भी अच्छा ये जनरल रूल याद करें जब भी फेल के साथ ज़मीर आएगी ना उसके बाद वो अटैच्ड कहलाएगी देखिए और वो ज़मीर सर मफूले भी होगी
مفعول بھی ہی ہوگی. اگر فرض کیا میں کہتا ہوں نصارا رائٹ, اس نے مدد کی اس کی, تو نصارا ہو, یہ والا ہو جو ہے یہ اٹیچڈ ہے. اگر میں کہوں سب نے مدد کی اس کی, سب نے ہو, الف گر جائے گا کیونکہ اساتھ ہو آ رہا ہے, لیکن یہ ہو کیا پھر بھی کرائے گی اٹیچڈ. میرا کوشچن جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ تو ضمیر متصل ہے نا فیل کے بعد جو آئے گی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جیسے میں نے باشرو ہننا باشرو کا کیا تھا تو میں نے کہا ہوا ہے, تو آپ نے کہا نہیں اس میں انتم, ٹھیک ہے مخاطب کا یہ سیدھا ہے انتم لگے گی اور منفصل ہوگی, انتم اور انت منفصل ہوگی. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فیل نہیں میں بھی یہی ہوگا امر اور نہیں میں ایک ہی ہے, امر اور نہیں میں امر اور نہیں میں, کیونکہ دونوں آرڈر ہیں نا, دونوں آرڈر آپ کسی مخاطب کو دے رہی ہیں. کیس میں کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو, ایک کیس میں کہہ رہی تم ایسا مت کرو, تو دونوں کیس میں ہے تو مخاطب ہی نا, مخاطب ہی ہے نا, تو وہ فائل انتم ہی ہے دونوں کیس میں. تو آپ کی بات درست ہے, یہاں پہ واو جو ہے یہ انتم بتا رہا ہے, اور جب یہ ہوتا ہے ماضی, جب ماضی کا فیل ہوتا ہے اور اس میں واو آتا ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے ہم. فار ایگزامپل یتکون, یتکون سسٹر بتائیں, اس میں بھی تو واو ہے نا, یہ واو فائل کس کو بتا رہا ہے؟ یہ ہم ہے سسٹر کو بتانے دینا, سسٹر نے جو بتا رہی تھی بات کر رہی تھی باشر ہننا میں, یہاں پر یہ تو کونہ میں بھی تو واو ہے, نہیں نہیں ہے نا, تو نہیں سر یہ فیل ہے نا مضارے ہے, تو یہ تو کونہ میں واو کیا بتا رہا ہے, کون سا فائل ہم آئے گا, جمع کا صیغہ جمع غائب ہم آئے گا. تو آپ کلیئر ہے نا کہ ماضی میں, جی سر یہ آپ کلیئر ہو گیا, یہ واو جو ہے یہ ہم بتا رہا ہے, جبکہ امر میں یہ واو بتا رہا ہے انتم. اچھا انتم آکفونا میں کوئی بتانا چاہ رہا تھا مجھے, کون سسٹر یا بردر بتائیں گے انتم آکفونا؟ سسٹر فرا, آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں نے آپ سسٹر سادیہ سے نہیں پوچھنا, کوئی اور بتایا نا, کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے جو سارے کے سارے جو ہیں تاکہ ایکٹ ہو. چشتی صاحب, سلیم چشتی صاحب بتائیں گے انتم آکفونا کا کیسے ہم اعراب بنائیں گے, کوشش کریں. جی سلیم بھائی, انتم آکفونا سر آواز آپ کی نہیں آ رہی. سلیم چشتی صاحب بن جائے گا, انتم جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے اور آکفون فی المساجد ہی اس کی خبر ہو جائے گی. اچھا ایکسلنٹ, انتم جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے, تو انتم کا اعراب کیا ہوگا؟ سر مبتدا جو ہے وہ جو ہے مرفوع ہوتا ہے سر, جو ہے رائٹ, انتم جو ہے یہ مرفوع ہے لیکن محلن مرفوع ہے. جی محلن مرفوع ہے لیکن یہ مبنی ہے, مطلب یہ ایسے ہی لکھا جائے گا انتم جو ہے. بالکل بالکل پرفیکٹ. اب آکفونا پہ آ جائیں, آکفونا جو ہے اس میں کیا, اس کا اعراب کیا ہے آکفونا کا؟ سر یہ منصوب ہے. اچھا مجھے بتائیں جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا جی. تو آپ نے کہا کہ مرفوع ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے جی. جملہ اسمیہ میں منصوب ہوتی ہے, وہ بھی مرفوع ہوتی ہے, وہ بھی مرفوع ہے. جملے اسمیہ میں جو سر یہ مونون سے مرفوع ہے. اچھا ابھی آکفونا جو ہے یہ مرفوع ہے, تو میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ مرفوع کی علامت کیا ہے آکفون میں, یعنی وہ کیا چیز بتا رہی ہے کہ یہ مرفوع حالت ہے؟ سر مطلب یہ ہو سکتا ہے واونون بتا رہا ہے. ایکسیلنٹ, واونون بتا رہا ہے. اچھا جی آکفونا کو اگر میں کو مجھے منصوب حالت میں بتائیں تو کیسے لکھیں گے آکفونا کو؟ سلیم بھائی کیسے لکھیں گے؟ جی سر منصوب حالت میں بھی ایسے ہی لکھیں گے سر. نہیں منصوب حالت ہوتی یا نون سے, دیکھیں مسلمون اور مسلمین تھا جی سر جی, تو
आकिफून और आकिफीन होगा। आकिफीन, ठीक सर। तो ये जो इस्म होते हैं ना, इनकी जब जमा बनती है तो वाव नून से बनती है मरफू हालत, और या नून से बनती है मंसूब और मजरूर हालत। मजरूर, ठीक सर, ठीक सर। देखिए चिश्ती भाई ने, आपने ये कोशिश की, अब आपको सारी जिंदगी ये याद रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। देखो अंतुम आकिफून, एक्सेलेंट। तो हम तिल का हुदूद अल्लाह ये आखिरी करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कौन करना चाहेगा तिल का हुदूद अल्लाह? जी कौन करना चाहेगा तिल का हुदूद अल्लाह? मुजफ्फर भाई, मैं कर देता हूं सर। करें कौन करें, मुझे नाम बता दें मुझे। याकूब सर, याकूब। याकूब भाई करें, याकूब भाई। तिल का हुदूद अल्लाह, तिल का सर इसमें इशारा है, ये हुदूद अल्लाह हुदूद फाइल अपना वो है जी, मुब्तदा जी, हुदूद अल्लाह जार मजरूर है सर। पहले तर्जमा करें सर, पहले तर्जमा करें सर। तिल का हुदूद अल्लाह ये अल्लाह ताला की हदूद है, यानी सरहदें हैं। फला तक्रबुहा, मत जाइए करीब इस इनके। उसको रहने दें, पहले सिर्फ तिल का हुदूद अल्लाह आपने सही तर्जमा किया कि वो या ये भी अल्लाह की हदूद है। तो इसमें इस जुमले के अंदर मुब्तदा क्या हुआ? तिल का। सर याकूब भाई को बोलने देना प्लीज। याकूब भाई क्या हुआ? अल्लाह सर, जो अल्लाह है ना वो इसमें मुब्तदा है। नहीं, मुब्तदा होता है जिससे स्टार्ट होता है, जुमला जिससे शुरू होता है ना, इब्तदा से मुब्तदा। तो इसमें तिल का जो है ना मुब्तदा होगा सर। ये तो मैंने पहले बोला था, तिल का मैंने पहले शुरू में कहा कि ये मुब्तदा है। चल, आपने सही कहा था, बिल्कुल तिल का मुब्तदा हो गया। अब इसका इराब बताएं, क्या मुब्तदा का, तिलका का? सर ये तो मबनी है और मरफू हो गया इसका सर, मुअल्लल। मुअल्लल मरफू, बिल्कुल सही हो गया। अब इसकी खबर क्या है सेंटेंस में? हुदूदुल्लाह, तो हुदूद इसकी जो है ना खबर है जी सर। हम और अल्लाह मफूल है। नहीं, मफूल तो नहीं है ना। देखिए अल्लाह की खबर, अल्लाह की हदूद सर, अल्लाह की हदूद, ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी बन गया ना। एक्सेलेंट, मुरक्कबे इज़ाफ़ी बन गया। तो अल्लाह ही मजरूर क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह ही मजरूर क्यों है सर? इसलिए बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे ही क्वेश्चन है, फला तकरबु हा, इसमें जो इसका तर्जमा करें, फला तकरबु हा, और मत करीब जाएं इनके। अच्छा, इनके ये जो हा है ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है? हा किसको रेफर कर रहा है इस जुमले में? हदूद को। हाँ तो मोनस के लिए होता है, तो क्या हुदूद मोनस है? सर गैर अकल जम मुकसर है ना। सर आपसे पूछे सिस्टर, उनको करने देना प्लीज जी। सर इसके मोनस आने अपना हाँ आने की वजह सोचनी पड़ेगी सर। देखिए सोचेंगे सारी जिंदगी, अब आप याद रहेगी आपको कि हाँ एक तो होता है कि आपको लफ्ज नजर आ रहा हो कि मोनस है। अच्छा, अब अगर लफ्ज नजर नहीं आ रहा मोनस है, लेकिन आपने सही कहा है तो हुदूद की तरफ ही, इसका मतलब हुदूद में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसके साथ वाहिद मोनस का सीगा लगता है। सर ये जमा मुकसर है। अब आगे देखे ना, अब थोड़ी सारी आपने सोचा तो यू आर एब्सोल्युटली राइट 100%। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये वाली हमारा कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड के मुतालिक? इसके मुतालिक जो बात थी ना अहकाम के बारे में या शरा के बारे में, वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला ताकुलू अमवालकुम। ये जो आयत हम अभी पढ़ने लगे हैं, इट शुड बी आवर फेवरेट आयत, क्योंकि इसमें हम बहुत से सबक सीखेंगे आज इस आयत के जरिए, जिनमें हमारे जिससे हमारी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। वला ताकुलू,
और तुम सब मत खाओ, अम्वालकुम अपने माल जो तुम्हारे पास है, बैनकुम आपस में, यानी आपस का जो माल है एक दूसरे का ना खाओ, बिल बातिल ना हक तरीके से, यानी बातिल तरीके से ना खाओ, यानी एक दूसरे का माल जो हड़प ना करो ना खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, तुदलू का माना होता है पहुंचाना, तो ला ताकुलू ना तुम खाओ, वला तुदलू, ये जो है ये अतफ हो रहा है इसके ऊपर ताकुलू पे, कि तुम ना पहुंचाओ बिहा इन अम्वाल को इलल हुकाम, हुकाम की तरफ, यानी वो लोग जो फैसला करने वाले हैं, लिताकुलू कि ऐसा ना हो कि तुम खा लो, फरीकम मिन अम्वाल नास, एक हिस्सा लोगों के माल में से, गुनाह के जरिए, यानी गुनाह का काम होगा, वो अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। तो इस आयत को बहुत ही गौर से हमने फिर शरह में हम आकर बात करेंगे कि कौन से अम्वाल हैं जो हम आपस में दूसरे के खा सकते हैं या खाते हैं नाहक, और वो हासिल करने के लिए हुकाम के पास उनको रिश्वत के जरिए माल के जरिए कायल करते हैं कि वो आपके हक में फैसला कर दें ताकि आप उस माल का हिस्सा कुछ खा लें, ये गुनाह है और तुम इस सबको जानते हो। नेक्स्ट टॉपिक, यस अलूना का अनिल अहिल्ला, ये पूछते हैं आपसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में। अहिल्ला कहते हैं उस चांद को जो पहली या दूसरी का चांद होता है, यानी बिल्कुल बारीक, उसके मुतालिक पूछते हैं। कुल, कह दीजिए, हिया मवाकितु लिन्नास, ये है मवाकितु, वक्त मालूम करने का, यानी तायुन करने का लोगों के लिए, वल हज, और हज का तायुन करने के लिए कि किस महीने हज शुरू होगा, तो ये महीनों के शुरू बताने के लिए। वलैसल बिर्रु, और नेकी ये नहीं है कि बि अन तातुल बुयूत, कि तुम आओ घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, उनके पीछे से, यानी घरों को सामने से एंटर ना करो बल्कि पीछे से दाखिल हो। वलाकिनल बिर्रा, लेकिन नेकी तो ये है, मनित्तका, नेकी वो है जो परहेजगारी करे, यानी परहेजगारी में नेकी है, इन रस्म और रवाज में नेकी नहीं है कि तुम घरों के पीछे से आओ। वातुल बुयूता मिन अव्वाबिहा, तो तुम आओ घरों में उनके दरवाजों में से। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। 189 तक आज ना करेंगे हम, तो ये इसके है बेसिक माने। अब आते हैं हम उन अल्फाज को देखते हैं जो हमारे लिए नए हो सकते हैं। ला ताकुलू कोई नया लफ्ज नहीं है, लेकिन ला ताकुलू ये कौन सा ला होगा, ला नाहिया, तुम सब मत खाओ, अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल किसको कहते हैं, बातिल किसको कहते हैं, बातिल गलत तरीके से, नाहक, नाहक। तो बातिल लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बातिल किसकी किसका अक्स है, हक, यानी हक एक, यानी कई दफा अल्फाज को समझने के लिए उसको ऑपोजिट जानना जरूरी होता है। तो एक होता है शख्स हक पर है, एक शख्स जो है वो बातिल है। बातिल वो होता है जो चीज झूठ होती है, जो साबित ना की जा सके, यानी बातिल है, जाया होना, तमाम माने में बातिल। इसके बारे में फर्दर बात करेंगे, यहाँ क्या मुराद। तुदलू, ये लफ्ज हमारे लिए नया हो सकता है। तुदलू को देख कर इसकी जो रूट लेटर्स हैं वो है दाल, लाम और वाव, और दाल, लाम और वाव से जो लफ्ज बनता है दलवन, दलवन कहते हैं वो डोल जो कि कुएं में डाला जाता है ताकि उसे पानी तक पहुंचा कर उससे पानी निकाला जाए। तो ये उस माने में इस्तेमाल होता है कि यानी किसी तरह से अपने मकसद पे पहुंच कर उसको पूरा करना। दो मानों में ये आता है, एक माना ये होता है कि खास तौर पे कुएं में से किसी चीज को डालकर खींच कर निकालना, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जिसको हम कहते हैं कि दला यदलू,
किसी तरह दाम ला दाल ला वाव से, या इसका माना यह भी होता है कि बहला फुसला कर काम निकलवा लेना। और जब ये आता है अदला युदलू युदली, अदला युदली यानी ये पैटर्न कौन सा हुआ, इफ़ाल का पैटर्न हुआ अदला युदली। और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा फेल हमने पढ़ा है जो इस जैसा है, ये आपको नजर आ रहा है सर? ग्रामर टेबल नजर आ रहे हैं? जी सर, जी सर। तो अदला युदलू युदली सॉरी उसने खींचा, तो ऐसा फेल हमने कोई पढ़ा है जिसके आखिर में या आती हो, उस पर खड़ी जबर हो, ताकि हमें याद रहे तो टेबल कैसे बनता है। अब्दा युदली और भी पढ़े होंगे, असलमा की तरह है, लेकिन जिनके अंदर आ जाता है ना कमजोर हर्फ, उसके लिए हम एक और टेबल अपना रेफरेंस टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने इख्तलाफा के लिए बनाया था इख्तारा, तो आज हम असलमा के लिए हम अब्दा बनाएंगे अगर आखिर में या आ जाती है। वैसे मेरा ख्याल है आपने कोई डिफरेंट पढ़ा है, आपने कौन सा पढ़ा है, कौन सा? अलका युल्की सर, अलका युल्की। अरे अलका वो भी इस जैसा ही है, लेकिन क्यूसी फाइव में क्या पढ़ा था या क्यूसी क्यूसी थ्री में? अफदा नहीं है। कौन सा? अफदा, अफदा सर, अफदा नहीं आता, तो कोई फेल नहीं पढ़ा हमने। नहीं सर, उसके ऊपर दाल के ऊपर खड़ी जबर है, सर नहीं है। अच्छा, तो अब्दा होगा, या अगर कोई और होगा तो मैं चेक करके बताऊंगा, कोई सा एक याद कर लें। अच्छा, रेफरेंस टेबल से मुराद ये होता है अगर आपको एक टेबल याद हो अब्दा युद्धी, तो अदला युद्धली भी ऐसा ही है। तो अदला अदलाऊ अदलाइता अदलाइतुम अदलाइतु अदलाइना, तो युद्धली युद्धलूना तुदली तुदलूना, इसी तरह अदली। तो हमारा यहाँ पे जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो है तुद लू, तो तुद लू जो है असल में क्या था, तुद लूना, लेकिन यहाँ पर जो है ला तुद लू ये है, ला नहीं है जमा, ला तुब दू तो ला तुद लू, तुम ना पहुंचाओ, तुम ना पहुंचाओ ला तुद लू, तो क्या ना पहुंचाओ, बिहा इस माल के जरिए, कौन सा जरिए, इस माल, तो तुदलू क्लियर हो गया। हुकाम जमा है हाकिम की जमा, हुकाम हाकिम कौन होता है, काजी होता है या कोई भी। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, अब टाइम कम है तो यही साथ साथ शरह भी कर लेते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आयत। जब भी एक शख्स जो है वो देखे, दो लोग हैं, जो स्ट्रांग होता है वो कमजोर का माल हड़प करता है, कमजोर मैं कह रहा हूँ इस दुनिया के लिहाज से कि उसके पास सिफारिश नहीं है या उसके पास अपना हक जिताने के लिए वो पैसा नहीं है या वो रिश्वत नहीं देना चाहता, वो हलाल रोजी कमा रहा है और हलाल तरीके से उसको निभाना चाहता है, उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है, कोई उसे हथियाना चाहता है, उस पर वो झूठा केस कर देता है और झूठा केस करने के बाद वो काजी को इन्फ्लुएंस करके रिश्वत के जरिए उसको माल पहुंचाता है ताकि उसके हक में अपने हक में फैसला करा ले और कमजोर का हक छीन ले उससे। तो क्या आपको इसमें नजर आ रही है आजकल के जमाने में क्या ऐसा होता है? आजकल तो होता ही यही है सर, होता ही यही है ना। तो क्या ये वाली आयत लिखी नहीं होनी चाहिए, सबको ये सोचे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, खासकर हर कोर्ट में कचहरी में ये लिखा होना चाहिए कि ऐ लोगों, तुम ना अपने माल के जरिए से अपने दरमियान एक दूसरे का माल खाओ ना हक, क्योंकि ये ना हक है ऐसा करना, और ना ही तुम पहुंचाओ इस माल को हुकाम के पास ताकि तुम एक हिस्सा, फरीकन फरक यफरुक होता है जुदा कर देना अलग कर देना, यानी एक हिस्सा, यानी माल में से एक हिस्सा लोगों का गुनाह के तौर पे तुम खा रहे हो, ऐसा ना करो जबकि तुम उसको जानते भी हो, वो शख्स जानता भी होता है। तो रिश्वत के बारे में कई दफा लोगों ने कहा जी मैंने तो कोई आयत नहीं देखी कुरान में जो कहती हो रिश्वत ना दो,
तो ये आयत बड़ी क्लियर अंदाज में कह रही है कि रिश्वत के जरिए दूसरों का माल जो है, जब भी आप रिश्वत देते हैं किसी का हक ले रहे होते हैं, और अगर हक नहीं ले रहे होते तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट है कि जी मैं किसी का हक नहीं मारा, मैं रिश्वत दे सकता हूँ। ये भी हक मारना ही है कि अल्लाह के, यानी जो आपने हक तरीके से एक चीज लेनी है उसको आप ना हक तरीके से हासिल करना चाहते हैं, उसका हक तो नहीं है ना कि उसको रिश्वत दी जाए। अच्छा नेक्स्ट, और कौन सा नया लफ्ज है इसके अंदर? यस अलूना का पढ़ चुके हैं, साला यस अलू यस अलूना। अहिल्ला खास तौर पे इस्तेमाल होता है उस नए चांद के लिए, और हिलाल उनकी जमा भी कहलाती है। मवाकीतू, मवाकीतू जो है ये, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सिस्टर बताइए सर, ये अहिल्ला है तो ये हलाल की जमा है, तो सर चांद का आ गया है, तो ये जमा के तौर पर क्यों लिया गया है? दोनों, मैं का दोनों चीजें आपको बताया कि हिलाल की जमा भी होती है और ये नया चांद के लिए भी इस्तेमाल होता है अहिल्ला। तो जब आप कह रहे हैं कि आप जो नए चांद के बारे में बताएं तो अहिल्ला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो मुराद यहाँ से वो चांद जो कि फर्स्ट या सेकंड का होता है, उसके बाद जो चांद होता है आमतौर पर कमर कहलाता है, वो भी एक्चुअली जब फिर एक फुल होता है उसके लिए एक सेपरेट लफ्ज होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मवाकीत, मीकात की जमा मवाकीत, यानी ये जो पैटर्न है आपने पढ़ा होगा कि इसम, यानी एक इसम का पैटर्न होता है जो बताता है कि इसम आला, यानी कोई जिससे कोई आले उसका कोई इंस्ट्रूमेंट, यानी वक्त बताने का इंस्ट्रूमेंट होगा तो इसमें आला हो गया। तो मीकात यानी कि मवाकीत वो टाइम बताता है, वो वक्त बताता है लोगों को कि उसके हिसाब से वो अपना वक्त तयन कर सकें कि फजर के वक्त मिलेंगे या जब जब स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है यहाँ तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, तो टाइम बताने के लिए यह मवाकीत लिन्नास वल हज। बिर हम कर चुके हैं नेकी, बल्कि नेकी की पूरी आयत हमने पिछली बार पढ़ी थी, वही उसी तरह से है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह दाएं तरफ या बाएं तरफ मोड़ लो, बल्कि नेकी क्या है, और पूरे वो दी हुए थे 8-9। तो यहाँ पर भी बात हो रही है भी अंता तू, असल में क्या था, अगर अन्ना होता तो यहाँ पे क्या होना था, तूना, अन्न उसको नसब दिया, नून को गिरा दिया। ये किस चीज की बात हो रही है कि इस्लाम आने से पहले जो कुरैश थे वो भी उमरा और हज करते थे, तो जब एहराम बांध लेते थे तो फिर अपनी चीजों पे कुछ चीजों को हराम कर लेते थे, उनमें से ये था कि अगर हमें घर वापस जाना पड़े किसी काम के लिए तो हम घरों के दरवाजों से नहीं जाएंगे बल्कि घरों के पीछे से जाएंगे, क्योंकि अब हम एहराम में हैं और इसमें नेकी है, तो बताया जा रहा है इसमें कोई नेकी नहीं है, नेकी तो उसमें है कि जो परहेजगारी तुम में हो। तो ये हमारे लिए भी कि जो दिखावा है वो नेकी नहीं है, बल्कि असल में जो तकवा है दिल में है कि अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए जो काम करता है वो परहेजगार है। वा तू, और तुम सब आओ, ईती की जमा ई तू, अता या ती, वत्तकुल्ला। तो इसमें अल्फाज कोई भी हमारे नए नहीं, किसी ने किसी लफ्ज के बारे में पूछना हो या देखना हो कोई मवाकीत, हाँ ये किससे निकला होगा, वक्कता यु वक्कितु, यानी अल्लमा यु अल्लमु की तरह, लेट्स सी, वक्कता यकितु से भी कह सकते हैं वक्त मुकर्रर करना, लेकिन वक्कता यु वक्कितु तौकीतन से बेहतर है कि हम कहें इसको। तो वक्त है तो मीकात, अच्छा मीकात हम इस्तेमाल करते हैं जब हज पर या उमरे पे जाते हैं, तो एक तो जगह के मुकर्रर होना भी मीकात हो सकता है, वक्त का या जगह का भी, कि इस जगह से आगे आपने एहराम में जाना है, तो ये मीकात है। एनी क्वेश्चंस ऑन दी आयात, इन आयात में वोकैबुलरी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो बताइए। ना पॉइंट जी, क्वेश्चन बताइए सिस्टर। सर इसमें तीसरे नंबर पे ना फायर एली है लाइट येलो लेमन कलर में जो अल हाल है, तो सर इसमें जैसे जहूरी
अहिल्ला, ये कुछ लफ्ज जो ऐसे हैं, तो सर ये हाल के बारे में थोड़ा सा बता दें। नहीं, ये हाल वाले नहीं है, ये इन्होंने इनको वाव हाल है। ये अनिल अहिल्ला लाइट कलर है ना, लाइट कलर में ये सर जो की दी है साइड पे, इसको आप फिलहाल जो है ना इसको भूल जाए आप। ये मिन जहूरी जो है ये इसम जार मजरूर हुआ, अनिल अहिल्ला भी जार मजरूर हुआ। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कभी क्यूसी सेवन में कि जार मजरूर को हम किसी और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या। अब तक जहां भी आपके पास अन मिन आएगा तो आप इसको जार मजरूर कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन सर? ये मवाकीतो जो है जी, ये इसको इसम कहेंगे ना, आला या कोई इस तरह का ही है ना ये मवाकीतो? ये इस तरह है, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात है ये जमा है, राइट? अच्छा, ठीक। किसकी जमा है? मीकात। अच्छा, अब अगर मीकात को देखें आप तो इसका वजन है मिफ़ाल, पढ़ा था ना आपने क्यूसी फाइव में? यस सर, बिल्कुल मिफ़ाल। जी सर, बिल्कुल। तो मिफ़ाल किसका वजन होता है? इस्म आला, यानी इंस्ट्रूमेंट जो किसी काम के लिए होता है। तो जिस तरह हम कहते हैं मिल अकातुन, मिलका किसको कहते हैं? चम्मच, खाने वाली चीज, मिफ़ाल का वजन है। तो मीकात जो है ये इस वजन पर है कि टाइम डिटरमिन करने का आला, यानी जिस तरह घड़ी है, घड़ी भी जो है वो भी मीकात है। इसी तरह चांद का, पहले दिन का चांद, ये भी मीकात है कि ये टाइम डिटरमिन करने के लिए बताता है मीकात। इसकी जमा मवाकीत। अच्छा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं तो हम इस पे इसका कुछ थोड़ा सा इनाफ की प्रैक्टिस करते हैं। सर जी, जी एक इशू आ रहा था मुझे, ये जो इजी क्रॉनिक अरेबिक साइट है ना, ये एक्सेस नहीं हो रहा सर जब से ये अपग्रेड हुआ है, तो इसका जो लिंक, अगर हमें फ्रेश लिंक दोबारा से शेयर कर देंगे प्लीज। किसका लिंक? इजी क्रॉनिक अरेबिक, ये जो, हाँ जी जी, यस। अच्छा, ये एक दिन काम नहीं कर रहा था, अब काम कर रहा है क्या? सर आज सारा दिन मैंने ट्राई किया है, मुझसे तो नहीं एक्सेस हो रहा। किसी और, कोई और बता सकता है किसी से अगर एक्सेस होने में डिफिकल्टी हो रही हो किसी को? मैं अभी ट्राई करता हूँ सामने, अगर दैट से अगर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, इस वक्त तो कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा इसका शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रहा है। ये जो अफाल है इनकी, ये जो मादा और इनकी चाबियां वगैरह देखने के लिए, किस तरह से हम इसको अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? अच्छा, आपको एक डिक्शनरी के लिए कहा था कि आप सबके पास होनी चाहिए, लुत्फ रहमान की डिक्शनरी, क्या सबके पास है? वो जो कोर्स का थीम वो तो है जी सर, मैं खुद वो इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। उसकी पीडीएफ वर्जन भी है और हार्ड कॉपी भी है और बाजार में भी अवेलेबल है हमारे पास। तो उसके अंदर आपको ये सारे मिलेंगे आसानी के लिए, मैं आपको उसी में से देख के बताता हूँ। लेकिन आप कोई भी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी डिक्शनरियाँ मिलती हैं जहाँ से आप तालीमुल कुरान की भी एक डिक्शनरी है, उसमें सारे अफाल दिए हुए हैं जितने भी आपको ये कुरान में आए हैं, उसके रूट लेटर्स भी दिए हुए हैं। और एक नई ऐप हमारी बन रही है अल्फला वालों की, इजी कुरान के नाम से, उसमें भी सारे आप देख सकते हैं रूट लेटर्स और वर्ब्स। जी, उसका लिंक अगर बता दें आप, या उसकी हार्ड कॉपी वगैरह है। नहीं, मैंने जो लुत्फ रहमान की डिक्शनरी आपके पास है? जी जी है, असल में मैं घर से बाहर आई हुई हूँ तो वो मेरी बुक कर रहा है कि ये, इसलिए पूछ। उसमें आप वो ले लेना उनसे पीडीएफ,
शेयर, अगर कोई अगर स्टूडेंट शेयर, रमजान भाई शेयर कर सकते हैं इनके साथ पीडीएफ लोग, ये डिक्शनरी क्या रमजान साहब या कोई भी स्टूडेंट या गुलाम हुसैन साहब? जी सर है वो तलीमुल कुरान में ऐप है, वो मैं कर दूंगी शेयर। जी ऐप नहीं, इनको इनको डिक्शनरी अगर शेयर कर दे उसकी लोग सुलेमान साहब। तलीमुल कुरान वाली शेयर करते हैं, तलीमुल कुरान वाली कर दें, कोई सी भी कर दें, कोई सी भी डिक्शनरी शेयर कर दें। जी सर। अच्छा तो मेरा ख्याल तकरीबन टाइम आखिरी 5-7 मिनट है, इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं? सर मैंने गुजारिश करनी थी, इससे पहले भी मैंने अर्ज की थी कि बाबे मुफायला और बाबे इफ़आल इफ्तियाल ये हमें आपने पढ़ाए नहीं किसी भी स्टेज पर, तो आपसे पहले गुजारिश की थी, आपने फरमाया था कि मैं पढ़ाऊंगा ये, तो सर ये किसी दिन क्लास में पढ़ा दें। जी सर, इसमें हमें भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि हमें ये बाबे अफाल बाबे इफ्तियाल बाबे मुफायला जो आप जिक्र करते हैं ना जी, ये हमें पढ़ाए तो नहीं आपने। एक्चुअली ये कैसे नहीं पढ़ाए, मैं सोच रहा हूँ ये तो जब आपने पढ़ा असलमा युस्लिमु इस्लाम तो साथ ये नहीं पढ़ा कि ये बाब इफाल है। सर इस टर्मिनोलॉजी के, इस टर्मिनोलॉजी के साथ ये कभी नहीं पढ़ा, वैसे हमने हमें उनका पैटर्न अपना पता है कि असलमा के वजन पर और कौन सा लफज आ सकता है, उसकी हमने कैसे उसका टेबल बनाना है, लेकिन ये अफाल इनको हमने कैसे उसमें यूज करना है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपको आता है सिर्फ आपने ये टर्म इफाल पहले अगर नहीं देखी है ना तो नेक्स्ट वीक मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं सर, उसमें उस पैटर्न में डाल के एक दिन थोड़ा सा टाइम लगा दो, मतलब समझा देंगे तो समझ आ जाएगी। नहीं ये बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी, नेक्स्ट वीक हम इसको कर लेते हैं। तो जब मैं कहता हूँ ना बाब इफाल, तो मैं कह रहा हूँ तो ये इस्लाम वाला बाब है, सिर्फ ये कह रहा हूँ। लेकिन अब ये सर आगे हमें बताया जाएगा तो फिर याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें इसको देख लेते हैं, मुझे मेरा तो ख्याल था कि ये कैसे हो सकता है। नहीं सर ये इस टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ा, आपसे एक दो दफा मैंने गुजारिश पहले भी की है और आपने फरमाया कि इसको एंड पे करेंगे, वो एंड पे फिर खत्म हो जाता है। एंड पे कैसे करेंगे, मुझे एक्चुअली सिर्फ तमकीन आप हेल्प करेंगे। पढ़ा हुआ है सर, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है इस्लाम से इफाल इख्तलाफ से इख्तियाल। देखिए सर अगर किसी ग्रुप में किसी मेंटोर ने पढ़ाया तो अलग बात है, हमें आपकी तरफ से या मैं कह रहा हूं QC5 में QC4 में QC3 में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, इस टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं सर, PDF पे जाए ना, ये जो IEN के मुख्तलिफ लेक्चर्स की तो उनमें है ये, एक दफा देख दोबारा कर लेंगे। देखिए दोबारा करने में कोई इशू नहीं है, कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो आजकल लोग पढ़ रहे हैं ना QC3 कर सकते हैं ना। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि जो आजकल पढ़ रहे हैं ना उनको भी चेक करें ना कि अगर आप लोगों को किसी वजह से, मैं जब आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी, ये सिर्फ 15 मिनट की बात है। यकूब भाई थे, कौन से थे भाई जो बता रहे? जी मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ तो बस आप एक हफ्ते की वेट कर लें और उस पे ना ग्रुप पे रिमाइंड भी करा दें, ठीक हो गया। कर लो खैर जी, नेक्स्ट वीक कर, ठीक हो गया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई तदब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं इन आयात पे, सर एक थोड़ा सा ये ला नहिया और ला नाफिया थोड़ा, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए अब इस सेंटेंस में ला ताकुलू अम्वालकुम, सिस्टर इसका तर्जमा करें आप, ला ताकुलू अम्वालकुम तो क्या तर्जमा होगा? ला ताकुलू नहीं तुम सब खाओ उनके माल, अपने माल। अच्छा अब आप ये बताइए सिस्टर, एक सेकंड ये जरा ये बंद करेंगे प्लीज। अच्छा सिस्टर आप ये बताइए, ला ताकुलू में ला आपने किस माने में इस्तेमाल किया है, क्या आपने हुक्म के माने में किया है ला ताकुलू? जी हुक्म में किया है, मत ना खाओ।
यानी आपने किसी को ऑर्डर ग्रामर टेबल में से किया है ना, तो नहीं, ऐसे नहीं देखिए अकाला का टेबल करते हैं सिस्टर, अकाला का टेबल, अकाला अकाला अकली जी, अकलता अकलतू अकलतु अकलना, अब दायरे करें याकुलू अकुलू याकुलूना ताकुलू अकुलू अकुलू याकुलूना याकुलू कुलू कुल कुल अब करें ला ताकुलू ला ताकुल नहीं ला ताकुल ला ताकुलू बस यही रुक यही रुक जाए यही रुक जाए तो क्या कहा ला ताकुलू का क्या माना होगा? मत खाओ, तुम सब मत खाओ, तुम सब ऐसे ऐसे ला को कैम क्या कहेंगे? ला नाहिया, यानी जो कि ला जो है वो ठीक है। अगर मैं ये कहूं ला ताकुलूना इल्मुदारे के साथ ला आएगा तो ला कौन सा होगा? वो ला नाफिया हो जाएगा, नाफिया के उन्होंने कुछ नहीं खाया, ला याकुलूना। तो अगर फेल मुजारे के साथ ला आ जाए आम फेल मुजारे को, वो ला नाफिया के लाएगा, और अगर वो किसी ऑर्डर ना देने के साथ आए ग्रामर टेबल में जो पड़ा है तो ये ला नाहिया होगा। और इसका सर ये है ना कि यो ला नाफिया है ये फेल मुजारे में कोई तब्दीली नहीं करता है, कोई तब्दीली नहीं करता। हाँ जी ये भी फेल असल में तो अगर असल में ये ताकुलूना था ना जो बता, असल में अगर ये ताकुलून हम जो अमर बनाते हैं जी सर, जो नहीं बनाते हैं वो फेल मुजारे से बनाते हैं ना, याद है बिल्कुल। तो वो जब फेल मुजारे से बनाते हैं तो सही कहा चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि जब आप ला लगाते हैं तो फेल मुजारे में एक चीज आ जाती है, इसका नून गिरा हुआ है ठीक है ना, ये ला ताकुलूना था ताकुलूना, तो ला ने क्या किया इसको जब अगर आपने इसको बनाया नई ऑर्डर में तो उसका नून गिरा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताकुलू का एराब क्या है, ये नहीं पूछा आपसे, तो क्या बताएंगे एराब इसका? ताकुलू का एराब क्या है जी? ला ताकुलू ला को साइड पे करते हैं, ला की वजह से ही हुआ है, लेकिन ला ताकुलू में ताकुलू का एराब क्या है? अगर तो ये ताकुलूना होता, लेट से ताकुलूना, उसका एराब क्या होता? सिर्फ लफ्ज ताकुलूना है, मरफू होता, ठीक हो गया। और मरफू की निशानी क्या होती अगर ताकुलूना लिखा हुआ है? मरफू अलल फतहा होता, नहीं जब फेल मुजारे की जमा होती है, कोई फेल मुजारे भी हो तो उसकी जो जमा होती है ये जो नून होता है ये होता है मरफू की अलामत, ठीक है ना? ठीक है, तो हम कहते हैं ताकुलूना में इसका जो एराब है वो है मरफू, और अलामत जो मरफू है, अलामत मरफू की है प्रेजेंस ऑफ नून, अलामत है कि बी सबूत नून, सबूत है यहाँ पे साबित मौजूद है बी सबूत नून। तो कोई भी फेल मुजारे हो और जमा हो अगर ये वाहिद होता तो मैं क्या लिखता? ताकुलू। सिस्टर अब इसका एराब क्या है ताकुलू का? सर इसका एराब अभी भी मरफू है, मरफू है राइट जी, और मरफू की अलामत क्या है? दम्मा, दम्मा। तो वाहिद में वाहिद मुजारे में उसकी अलामत नजर आती है ताकुलू याकुलू कर लें, लेकिन जब जमा करते हैं तो ये बन जाएगा ताकुलू ना, तो अभी भी ये मरफू ही है लेकिन अब मरफू की अलामत क्या है? ये नून, सिर्फ नून, सिर्फ नून,
सिर्फ मून। अच्छा जी सर। अब अगर मैं ताकुलुना से पहले अगर मैं लगाऊं ये ला, ला कौन सा नाहिया, नाहिया मत खाओ, तो ये इसका एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इस नून को गिरा देता है और ये बन जाता है ला ताकुलू, राइट। नून गिर जाता है, अलिफ उसकी जगह पे आ जाता है। अब इस ताकुलू में इसका एराब क्या होता है, क्योंकि ये भी अमर है ना। जी सर, नहीं मजजूम। देखिए हमने पढ़ा था कि जो अमर होता है, अमर का एराब मजजूम होता है। लेट्स से अगर होता था, अगर सिंगल होता ता कुलू, इससे मैं अगर बनाता हूँ कुल, तो कुल के आखिर में जज़्म होती है ना। हाँ जी जी, तो इसका मतलब है आखिर में इसका जो एराब है वो तो मजजूम है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई जज़्म नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर अलामत क्या है इसके मजजूम होने की? अच्छा, अब आपने क्या करना है, याद कैसे करना है, नून आता है नून जाता है, ठीक है। जब नून आता है तो मरफू होता है, जब नून जाता है तो वो दो में से एक होता है या मंसूब, मंसूब दोनों में एक ही हालत है। अगर मैं एक फेल मुजारे से पहले अन लगा दूं, लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है या कुलूना, या कुलूना में इसका एराब क्या है, या कुलूना का अन लगाने से भी या कुलू हो जाएगा। अच्छा, अन लगाने से क्या होगा, या यानी जैसे कि मजजूम में होता है, लेकिन फर्क ये है कि ये कहलाएगा मंसूब, क्योंकि अन क्या करता है मंसूब, और अलामत क्या है मंसूब होने की, हज़्फ़े नून। ये जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ ये तो पढ़ा है ना आपने, कि फेर मुजारे के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चले हस्फ इस लफ्ज को छोड़ दे, नून आता है नून जाता है ये तो पढ़ा है ना हमने क्यूसी फाइव में, अन क्या करता है मुजारे के साथ, लम क्या करता है मुजारे के साथ, लन क्या करता है मुजारे के साथ, ली क्या करता है मुजारे के साथ, राइट जी। और पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि फल और वल जब आता है, लामे अमर भी पढ़ा था जी, हमने लास्ट वीक पढ़ा था फल यस्तजीबु, अमर वल और फल यस्तजीबु ली वल युमिनु, तो फल यस्तजीबु में फल क्या था, ये लामे अमर पस चाहिए, तो ये लामे अमर क्या करता है, ये भी आगे फेल को क्या करेगा, मजजूम कर। तो अमर याद रखे, अमर जो होता है ना ऑर्डर अमर, वो मजजूम होता है, ठीक है। अब अगर तो सिंपली उसके ऊपर पेश लगा हुआ है तो जज़्म आ जाती है, लेकिन अगर वो फेल है तो, और फर्ज किया जिस तरह के या कुलूना है, तो या कुलूना ये हमने अच्छी तरह पढ़ा है, मुझे याद है या कुलूना जो है ये मरफू हालत है, और अगर इसको नून चला जाए, नून अगर किसी वजह से गिर जाए या कुलू, तो ये दोनों हालत मंसूब भी ऐसे ही होता है, मंसूब भी और मजजूम भी, मजजूम भी, दोनों हालतें एक जैसी होती हैं या कुलू, राइट। अच्छा दूसरी बात है, परेशान होने की बात है, जो हम चीजें ये पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं, तो इसको आने दें, इसको टैकल करें, लेट इट यू नो रन, इसका मुकाबला करें कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको ऐसा ऐसा एब्जॉर्ब करें, तो कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद ये सेकेंड नेचर होगी, लेकिन जरूरी यह है कि हर हफ्ते इन आयात की प्रैक्टिस करें। तो अभी हमने इस सेकेंड पेज का नाज़िम किया, तो आप मेंटोर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेकंड पेज का जो है वो डिटेल नाव करें, यानी कि वो, अच्छा अब मेरे से किसी ने वीडियो नहीं मांगनी क्योंकि मैं शायद भूल गया था, इसको ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, हो रही है रिकॉर्ड, चले ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस, आज की क्लास हम कंप्लीट करने लगे हैं।
थैंक यू सर। एक और जो हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया ना, अब हम इशारे नहीं पा रहे इसके, मतलब आयत के साथ हमें नहीं पता उसका इशारा क्या है और उसका नाम क्या है। नहीं नहीं इशारे से क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल सर, ये जैसे हम पहले इशारे पढ़ते थे ना कि इतनी जो दो आयत है और इसका जो है ना इशारा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसकी वजह ये है कि अब इशारे आपको याद हो चुके हैं लेकिन कोई हर्ज नहीं है, इशारे हम कर सकते हैं। सॉरी सर, आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मैं ये कह रही हूँ सर, इशारा इस तरह से कि जैसे हम कह रहे थे उस्ताद ने पढ़ा ना हमने किबले की तब्दीली, वो इसका एक पॉइंटर है दैट इंडिकेट्स कि आपकी ये एक और दो आयतें जो है बता रही है किबले की तब्दीली के बारे में। हमें तो लास्ट लेक्चर में भी इस तरह की चीज सामने नहीं आई तो मुझे था कि नहीं नहीं पॉइंटर्स मैं भूल गया बताने, मैं भूल गया। असल में पता है क्या, पॉइंटर्स हेल्प करते हैं मजमून को बताने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। आप खुद भी बना सकते हैं पॉइंटर, लेकिन आपको आपको दे दिए जाएंगे, मैं आपको शेयर कर लूंगा कि इसके अंदर क्या ठीक है। लेकिन अब इतने पॉइंटर्स हो गए कि हम शायद उनको याद नहीं रख पाए, अगर इतने सारे पॉइंटर्स। देखिए जरूरत भी नहीं है सिस्टर, पॉइंटर्स को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप जब इनको सुनती हैं इन इशारों को, इस आयात को, तो आपको खुद ब खुद तर्जमा समझ आ रहा होता है। पॉइंटर आप कर सकता है, पॉइंटर हेल्प कर सकता है कि जब आप रिव्यू करें, जब रिव्यू करें तो वो हेल्प करेगा कि आप उसको देखेंगे ये वाला पॉइंटर लगा हुआ, अच्छा अच्छा इसकी बात हो रही है। मैं पहले पॉइंटर यूज करता था, जिस चीज का खुसूसन जिक्र किया गया है उसमें अभी जरूरत नहीं है सर, अभी ये तर्जमा सारा कर रहे हैं। लेकिन 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 मैं शेयर करूंगा, मैं पॉइंटर बताऊंगा इसका फायदा है। पॉइंटर का फायदा ये है, जब आप रिव्यू करते हैं ना तो आप पॉइंटर को देख के आपको याद आ जाता है कि ये वाले मजमून की बात हो रही थी। लेकिन असल जो जो चाशनी है ना कुरान की, वो इसको सुनकर या इसको जो है ना पढ़कर आती है। पॉइंटर इज एन एकेडेमिक आपको जो है ना आसानी के लिए बता देता है, और इसके फायदा है मजमून एक तरह से क्लोज इन हो जाता है, तो फायदा जरूर है और मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ इनके भी। लेकिन असल जो चीज आपको जो टारगेट है वो ये है कि जैसी आयत को सुने वो आपका मतलब डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। आपको यकीन नहीं आएगा कि जो QC7 में अभी लोग गए हैं उनका लेवल तकरीबन वही है जो आपका है, बिलीव मी। थोड़ी सारी बस प्रैक्टिस है और वो हमारी प्रैक्टिस हो रही है। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल द मेंटर्स, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री के आप ग्रुप पर शेयर करें या मेरे पर्सनल ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जज़ाकअल्लाह जी सिस्टर। सर प्रवीण असद बात कर रही हूं। सर मैं ये कहूंगी कि जो 8 अबवाब है ना सर, इफाल और तफील मुफाइला, सर इस पे जरूर डिस्कस कीजिएगा एक दफा नेक्स्ट, क्योंकि वो हमें सर वो बिल्कुल समझ, यानी उस वर्ड को तो हमें समझ आ जाता है कि उसका मसदर ये बन रहा है या लास्ट में इससे रिलेट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ अगर वो बाप दे दिया जाए और बोला जाए इस पे कौन कौन से आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट वीक आप ग्रुप पे याद भी करा दीजिएगा। सिस्टर तमकीन आप कुछ बताना चाह रही हैं? जी सर, अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स की क्लास ली और मजीद की पे ही पूरी क्लास है मेरा पूरा लेक्चर, तो अगर किसी को वो हेल्प आउट कर सकता तो वो आप, मैं शेयर कर दूं। मेन ग्रुप पे शेयर कर देना, मेन ग्रुप पे शेयर कर दें। जी ठीक है सर। ठीक है, और नेक्स्ट वीक मेरी प्रॉमिस है कि हम इसको रिवाइज करेंगे, वो याद कराइएगा स्टार्ट होने से पहले। जी भाई यकूब भाई ने भी रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला आपके जहन में पक्की बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में कि कैसे ये बने, इफ़ाल इफ्तेआल इनफाल सारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह मैं ही याद करवाऊंगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैरा, टेक केयर,
see you next week inshallah. Jazakallah sir. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.